1998 में रतन टाटा सर ने अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, मगर टाटा इंडिका ने वो सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था। टाटा इंडिका की वजह इतना नुकसान हुआ कि कंपनी घाटे में जाने लगी। इसी के चलते सर रतन टाटा ने टाटा इंडिका को बेचने का सोचा और इसे बेचने के लिए उन्होंने अमेरिकी कंपनी फोर्ड को चुना, मगर फोर्ड के सीईओ बिल फोर्ड ने इंडिका को लेने से मना कर दिया। कुछ सालों बाद ही 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया तो फोर्ड की कंपनी पूरी तरह से घाटे में चली गई और बिल फोर्ड को अपनी दो सबसे ज्यादा पसंदीदार गाड़ी लैंड रोवर और जैगवार सर रतन टाटा को बेचनी पड़ी। ये भारतीय कार निर्माता की जीत ही नहीं थी बल्कि सर रतन टाटा की भी व्यक्तिगत जीत थी। सो हे गाइस, कैसे आप सब, आप सबको स्वागत है एक नए ट्यूटोरियल में। भाई आज का जो ट्यूटोरियल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको सारे बड़े क्रिएटर्स के एडिटिंग की मैं एक तरीके से ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आपके पास अगर कोई वॉइस ओवर आता है और आपका क्लाइंट डिमांड करता है कि मुझे भाई ध्रुव राठी, आदित्य सैनी या फिर नीतीश राजपूत जैसी एडिटिंग चाहिए वॉइस ओवर पे, मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहता और ये है एक तरीके से पूरा केस स्टडी वाली वीडियोस। तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद उनसे बोल पाओगे हाँ सर आपका काम हो जाएगा और पूरी तरीके से हम इसे बनाएंगे प्रीमियर प्रो में और कोई भी हम आफ्टर इफेक्ट में नहीं जाने वाले हैं। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, अगर आपको भी आफ्टर इफेक्ट नहीं आता यूज़ करना, जल्दी हम सीख जाएंगे उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो, सिर्फ प्रीमियर में ही अपना काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज के बाद आप इस एडिटिंग टिप्स को जान जाओगे। और भाई बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टा पे मेरे अपने डाउट पूछते हैं, मैं जहां तक हो सकता हूं उनका रिप्लाई करता हूं और मैं दिन में एक घंटा जरूर निकालता हूं उन जो भी मेरे क्वारीज वगैरह आती है उनको रिप्लाई करने के लिए। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया है जहां पे मैंने आपके कुछ फीडबैक्स मांगे और कुछ सजेशन मांगे कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है और आपको क्या लगता है हमें इंप्रूव करना चाहिए और आपका सजेशन कि आप कौन से आने वाले अपकमिंग कोर्सेज देखना चाहोगे इस चैनल के ऊपर में, तो आप उसको भी जाके फिलअप कर सकते हो और साथ ही साथ उसमें आपको हमारा कम्युनिटी यानी व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, आप भी ज्वाइन कर लेंगे तो जल्दी हम उस पर स्टार्ट करने वाले। जितने भी कमेंट्स हमारे रहते हैं हम उस पर रिप्लाई करेंगे एकदम, जो चीज़ें यहाँ पे गाइडलाइन के मुताबिक नहीं बता सकते हम उसका रिप्लाई वहाँ पे जरूर किया करेंगे। और भाई साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको फिग्मा सेटअप करना सिखाया, भाई फिग्मा के बेस पर ही हमारा सारा ट्यूटोरियल एक तरीके से बेस्ड है कि कैसे आपको इमेजेस को यूज करना है इसके अंदर। तो भाई आ चुके हैं हम अब स्क्रीन पर। अब हम मैं सबसे पहले आपको जो यहाँ पे बताऊँ, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि फिग्मा को कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि सारी वीडियो जो डिपेंड है हमारी वो फिग्मा पे होने वाली है, चाहे ये ट्यूटोरियल है या इससे आगे आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल्स हो। हमने पिछले बारे में बात किया था और उसमें मैंने फिग्मा आपको सेटअप करना नहीं दिखाया था, इस वाली वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो अब दिखाता हूँ आप ध्यान से देखिएगा। आपको सिंपल क्या करना है, अपनी जो भी एक क्रोम में आईडी वगैरह खोली हुई है जिससे आप करना चाहते हो रजिस्टर, उसे रजिस्टर करने के लिए खोल लीजिए और यहाँ पे सिंपल लिखिए फिग्मा। जैसे आप फिग्मा लिखेंगे तो ऊपर सबसे पहला जो लिंक आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए, गेट स्टार्टेड कीजिए और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आएगा यहाँ कोने पे, मैं आपको दिखा दूँ जरा। हाँ, कंटिन्यूस मैग्नीफाई फ्रीक जैसा ये शुरू में पूछ ही लेता है खुद से, तो आपको खुद ही ओके कर देना है, आप इसे कर दीजिए अपने आप वेरीफाई करके, उसको अपने आप एक अकाउंट बना देगा आपका। सो भाई देखो यहाँ पे ये पूछ रहा थोड़ा सा सेटअप करने के लिए आपको कि किस किस पर्पस से चाहिए, किस लिए चाहिए, तो आपको फटाफट ये सेटअप कर लेना, सस्ता सा है, मतलब सस्ता सा क्या है, आसान सा है, बहुत इजीली आप कर लोगे। यहाँ पे डिज़ाइन के लिए कर लीजिए, हाउ यू विल फॉर माय पर्सनल यूज़ क्रिएट अकाउंट कर दीजिए, उसके जैसे क्रिएट कर देगा एक बारी में तेज़ी में। तो लो जी भाई यहाँ पे इन्हें आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे कोने पे आपको जाके करना है डिज़ाइन फाइल, डिज़ाइन फाइल फिल ऐसे कर दीजिए आप, तो ये आपको एक अनटाइटल करके पूरा एक कैनवस मिल गया सिंपल, जैसे फोटोशॉप जो बंदे यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा कि फोटोशॉप में कैसा कैनवस होता है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको एक कैनवस मिल चुका है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें उसकी देखने को मिल जाएगी, मैं आपको दिखा दूँ, ये इसके थोड़े बहुत टूल्स हैं जिस टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे देख लो ये सेलेक्ट टूल है, ये सारे आपके टूल्स हैं यहाँ पे, सेलेक्ट टूल है, रेक्टेंगल टूल है, पेल टूल है, टेक्स्ट टूल है, बाकी सारे छोटे मोटे टूल्स हैं जो आप यूज़ करना सीख जाओगे जस्ट जैसे टाइम आप बिताओगे। सो भाई अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे सिंपल ये बता देता हूँ कि आप यहाँ पे अपना एक इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो रिम्यूबूजी का प्लगइन। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, प्लगइन में जाना है, मैनेज प्लगइन करना है। सो भाई यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे रिम्यूबूजी सर्च करना है, रिम्यूबूजी से सर्च करेंगे आप, उसे करेक्ट करना है और आप उसे रन कर देंगे तो आपके यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके लिए आपको जाएगा सेट एपीआई की, तो सेट एपीआई पे करना है और आपको यहाँ से जाना है रिम्यूबूजी की वेबसाइट पे, यहाँ पे रिम्यूबूजी सर्च कीजिए, रिम्यूबूजी जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आएगी, इसको क्लिक कीजिए, देन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आप जाइए लॉगिन पे, लॉगिन पे आपको दोबारा वही करना पड़ेगा, अपनी आईडी रजिस्टर करनी पड़ेगी जैसे आपने वहाँ किया था, ऐसे यहाँ करेंगे लॉगिन विद गूगल कर दीजिए, कंटिन्यू विद गूगल कर दीजिए, आपकी जो वेबसाइट है डिफॉल्ट ले लेगा जो भी आपकी आईडी इसमें डली होगी। आई एग्री विद द कंडीशन, नोटिफाई मी अबाउट दिस ओवर स्पेशल ऑफर, जो भी ये मांग रहा है दे दीजिए इसको, सेव है, सिक्योर है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है आपको अपने डैशबोर्ड में, यहाँ पे अपना आपको अकाउंट में जाना है, माय अकाउंट में करने के बाद यहाँ पे आएगा एपीआई कीज़, यहाँ पे आपने करना है न्यू एपीआई कीज़, तो न्यू एपीआई की में क्या करना है, क्रिएट एपीआई की जैसे आप करेंगे यहाँ से कॉपी कीजिए और इसको सिंपल आ जाके पेस्ट कर दीजिए और इसे कर दीजिए सेव। यहाँ पे आपकी एपीआई की एक तरीके से सेट हो चुकी है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, जब आप अगर कोई भी इमेज का रिमूव करेंगे बीजी तो इजीली हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम सर्च करते हैं रतन टाटा सर,
जैसे हम रतन टाटा सर को सर्च करेंगे, यहाँ से हम जैसे कोई इमेज उठा लेते हैं, ये वाली फॉर रेफरेंस, यहाँ पे टूल्स में आप जाइए, यहाँ पे आप कर दीजिए लार्ज, साइज कर दीजिए लार्ज। जैसे आप लार्ज करेंगे ये दिख गई, जैसे इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर ले जाके, सिंपल कंट्रोल वी करेंगे पे, यहाँ पे पहले अलाउ कर दीजिए, कंट्रोल वी हो गया। अब क्या करना है आपको, सिंपल इसका अगर इसका रिमूव करना है बीजी, तो यहाँ पे करेंगे हम प्लगइन पर जाएंगे, रिमूव बीजी पर रन करेंगे, देख रहे हो सिंपल रिमूव हो गया बीजी। अब यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बहुत सारी झंझट बढ़ गई कि आप किसी वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे जाके इसको अपलोड करोगे, फिर वहाँ से उसका बीजी रिमूव करोगे, फिर डाउनलोड करोगे। यहाँ पे हम इंटीग्रेट करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और अपना टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो। सिंपल यहाँ से एक्सपोर्ट मारने के लिए आपको यहाँ पे जितनी भी क्वालिटी में चाहिए, जैसे मुझे 2x पे चाहिए, तो एक्सपोर्ट इमेज ही करके ये देखिए ये जहाँ जा रहा है यहाँ पे आपको लोकेशन दिखा देगा। बाय डिफॉल्ट आप सेट भी कर सकते हो, इमेज आया डाउनलोड्स में आया मेरा बाय डिफॉल्ट, सिंपल है, इजी है। तो अब इसी के यहाँ पे सारा हमारा प्रोजेक्ट चलने वाला है, जिसको अभी तक समझ में आ गया है वेल एंड गुड है, नहीं आया तो आप रिपीट करके एक बार देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो भाई आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपनी प्रोजेक्ट की तरफ। सो प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ने से पहले सिंपल वही सारे आपके स्टेप्स है, पहले आप प्रीमियर खोलिए, प्रीमियर जैसे खोलेंगे आपको पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, आप प्रोजेक्ट बना लीजिए सिंपल। सो भाई यहाँ पे एक मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, सो भाई रतन टाटा सर के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया और इसको हम सेव कर लेते हैं अपनी लोकेशन पे और यहाँ पे क्रिएट कर देते सिंपल। सो भाई यहाँ पे सिंपल क्रिएट हो गया, सारा इंटरफेस दिख गया। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे मुझे ये बोल रहे थे कि भैया जब आप वीडियो बनाते हो ना तो बहुत सारे में टूल्स नहीं दिखते हैं, मैं जूम करके दिखाया करो, तो उसका भी इजीली मैंने सारा सोल्यूशन ढूंढ लिया है। जो भी मैं कीज़ दबाऊंगा आपको नीचे अपने स्क्रीन पे दिखेगी, ताकि आपको अगर कोई डाउट रह जाता है कि भाई कौन सी विंडो किसकी वजह से बड़ी हो रही है, तो वहाँ पे आप सिंपली उसको समझ सकते हो और उसको एक तरीके से समझ के अपने लिए अप्लाई कर सकते हो जब भी आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे। सो भाई यहाँ पे सिंपल हमने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक ऑडियो पूरी रिकॉर्ड करी थी, उस ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया है और उसको एक तरीके से फाइन तरीके से काट लिया है, और उसके बाद ये ऑडियो कुछ ऐसी है, और इसके ऊपर हम पूरी स्टोरी कंपोजिटिंग करेंगे कि अगर आप वॉइस ओवर पर कोई स्टोरी कंपोजिट करना चाहते हो, किसी को एक तरीके से स्टोरी दिखाना चाहते हो अपने एडिटिंग के थ्रू, तो आप कैसे दिखा सकते हो, तो एक बार पूरी ऑडियो सुन लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 30 सेकंड की ऑडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं रखी, क्योंकि 30 सेकंड ही करने में मुझे पता है 1.5 घंटा लग जाएगा, और उसको एडिटिंग करके वैसे 1.5 घंटा तो उससे ज़्यादा ही लगेगा, वो तो मैं आपको एडिट कर करके छोटे पार्ट में दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई, इसको 30 सेकंड की ऑडियो है, एक बार सुन लेते हैं और इसके ऊपर एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। 1998 में रतन टाटा सर ने अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, मगर टाटा इंडिका ने वो सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था। टाटा इंडिका की वजह से इतना नुकसान हुआ कि कंपनी घाटे में जाने लगी। इसी के चलते सर रतन टाटा ने टाटा इंडिका को बेचने का सोचा, और इसे बेचने के लिए उन्होंने अमेरिकी कंपनी फोर्ड को चुना, मगर फोर्ड के सीईओ बिल फोर्ड ने इंडिका को लेने से मना कर दिया। कुछ सालों बाद ही 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया, तो फोर्ड की कंपनी पूरी तरह से घाटे में चली गई, और बिल फोर्ड को अपनी दो सबसे ज्यादा पसंदीदार गाड़ी लैंड रोवर और जैगुआर सर रतन टाटा को बेचनी पड़ी। ये भारतीय कार निर्माता की जीत ही नहीं थी, बल्कि सर रतन टाटा की भी व्यक्तिगत जीत थी। सो भाई देखा यहाँ पे पूरी एक ऑडियो हमने सुन लिया 30 सेकंड की, तो इसके ऊपर आप कंपोजिट करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है, एडिटिंग तो देखो हर कोई कर लेता है, पर एडिटिंग वाली सोच लाना आपके अंदर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट, और ये पूरा जो बेसिक ट्यूटोरियल है इसमें आफ्टर इफेक्ट में और बढ़िया हो सकता था, मगर यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं प्रीमियर को लेके चल रहे हैं, तो प्रीमियर में जितना बेस्ट हो पाएगा उतना बेस्ट हम करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला हमने, 1998 में तो अभी हमारा कैनवस बिल्कुल ब्लैंक है, और इसकी जैसे जो हमारी सीक्वेंस सेटिंग है वो सीक्वेंस सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। तो 23.976 का बेस फ्रेम रखा हुआ है हमने, फ्रेम FPS इसका ये चल रहा है, तो इसके भी आप सारी वीडियो बनेगी, ठीक है। सो अब इसके ऊपर हमें एक चीज़ों को बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड इस सारे एसेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर ना मिले तो थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं डाल दूंगा। सो जस्ट हम चलते हैं अपने उस पर, और यहाँ से हम जो अपना एसेट्स है वो सारे उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ ये वाला बैकग्राउंड, और इसको उठा के जस्ट यहाँ पे ला के रख देते हैं, क्योंकि हमारा पूरी वीडियो में यही बैकग्राउंड रहने वाला है। सो अभी हमने देखा जस्ट ये क्या है, अभी ये फिट नहीं हो रखा है, तो इसको हम राइट क्लिक करके सेट टू फ्रेम साइज़ करेंगे, तो इधर जाएंगे हम सेट टू फ्रेम साइज़ करेंगे। तो जैसे ही हम सेट टू फ्रेम साइज़ करेंगे ना, मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी क्या था, इसका स्केल अभी 100 रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप स्केल इसका पूरा 100 रखा है इस वाली लेयर का। अब जैसे ही मैं सेट टू फ्रेम साइज़ करूँगा ना, तो इसका स्केल देखना क्या हो जाएगा, देख रहे हो आपको 60 हो गया, मतलब कितना फ़र्क आ गया, अभी ये इस फ्रेम के हिसाब से आ चुका है। अब इसको हम बड़ा करेंगे तो अभी क्या होगा, इसकी क्वालिटी लॉस नहीं होगी, वैसे क्वालिटी लॉस हो जाती है। अब देखो ये पूरा हो गया फिट, आई थिंक पूरा कैनवस में फिट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, और इसके ऊपर हमें थोड़ी सी और चीज़ चाहिए होगी कि भाई थोड़ा सा और बढ़िया लगे देखने में, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ओवरले स्टार्ट एक तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है ये फायर की।
इसको हम उठा के सिंपल इस पर डाल देंगे और जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक रखेंगे, इसको काट देंगे। एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा जो जैसे आपने वीडियो देखी थी, ये उस टाइम कुछ और बनाई थी, इस टाइम थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क होगा, मगर वीडियो सेम ही हम सब कुछ सेम रखने की कोशिश करेंगे। सो ओल्ड सिर्फ अगर आपको किसी लेयर के अंदर से एक चीज़ डिलीट करनी है तो ओल्ड दबाइए, उसको क्लिक कीजिए तो ये लेयर को ऑटोमेटिक अनलिंक कर देगा और उसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे जाइए, इसके ब्लेंडिंग मोड में आप देखोगे, ये इसके ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल का, ठीक है। अभी ये नॉर्मल है, इसको कर देंगे स्क्रीन। जैसे हम स्क्रीन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई साहब यहाँ पे इसकी स्क्रीन हो चुकी है। तो स्क्रीन होने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंस साफ दिख जाएगा ये कि पहले कैसा था और कैसा है। अब इसका बैकग्राउंड भी दिख रहा है, इसको हल्का सा हम कर देंगे बड़ा, इसको बड़ा करके हम यहाँ ले आएंगे। सो आई थिंक 1998 में रतन टाटा सर ने अपनी पहली स्वदेशी, अब मैंने क्या बोला 1998 में, तो 1998 में हमको डेट दिखानी पड़ेगी। तो अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो सिंपल तरीके से समझना, बहुत आसान तरीका है। अभी हमारा कैनवस है HD साइज का, यानी 920x1080 का, तो हमें एक सीक्वेंस साइज बनाना है जिसका जो विड्थ है वो 920 रहेगी, मगर सीक्वेंस साइज उसका लंबाई में बड़ा रहेगा। मतलब वो ऐसे तो सही रहेगा मगर ऐसे में लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1998 लिखा ना, तो 1998 बोला, 1998 बोला है, तो हम इसको ले लेंगे 1900 से लेके एक तरीके से 1991 से लेके 2000 तक, ठीक है। एक 10 नंबर की सीरीज ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो कंट्रोल टी दबाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1991 लिख लेते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस। 1991 लिखा हमने, यहाँ पे मैं जो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो समर, ठीक है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, गौथम यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जो मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ गौथम। गौथम का आप सिंपल सेलेक्ट करोगे, 1991 हो गया। अब इसको हमें फ्रेम साइज़ थोड़ा इसका बड़ा कर देना है, तो इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं अलाइन बीच में करने के बाद। ये जितने भी आपको सारे दिख रहे हैं सारे अलाइनमेंट के सेक्शन है, यहाँ पे आप अलाइन कर सकते हो। तो इसको हमने सिंपल अलाइन कर लिया, इसका थोड़े से साइज़ हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। आपको ये साइज़ दिख रहा है, यहाँ से साइज़ आप बढ़ा सकते हो, इस साइज़ को हम यहाँ से बढ़ा लेंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ। हमें ऐसे रखना कि ये पूरा एक नंबर एक इसमें फिट होए, ठीक है। ये हमने फिट कर दिया, तो अब इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। कंट्रोल जैसे ही आप यहाँ पे करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करते ही आपको दिखेगा यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट का ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, ये रहा नेक्स्ट का ऑप्शन, इसे नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट करते ही एक सीक्वेंस बन जाएगा अपने आप में, तो इसे हम नाम देते हैं नंबर। अगर आप प्रो एडिटर बनना चाहते हो तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जितना भी आपको काम करना है वो एक फ्लो में काम करना है, ताकि जब आप ये प्रोजेक्ट किसी और को दो तो वो भी इजीली समझ सके। कैपकट वाले एडिटर मत बनना, अगर लंबा खेलना है तो ढंग का एडिटर आपको बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने नंबर कर दिया। अब हम इस सीक्वेंस सेटिंग में जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, सीक्वेंस खुल जाएगा। जैसे ही हम सीक्वेंस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हो रखा है सीक्वेंस। सीक्वेंस में जाके यहाँ सीक्वेंस सेटिंग, जैसे आप सीक्वेंस सेटिंग में जाओगे तो इसको आपको दिख जाएगा इसका साइज 1920x1080 बाय डिफॉल्ट इसने ये लिया है। अभी मुझे इसको क्या करना है, अपने मेमोरी की विड्थ तो इतनी लगनी है मगर इसकी हाइट मुझे बढ़ा देनी है, तो इसकी हाइट मैं कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमने इसकी सीक्वेंस सेटिंग रखते हैं 8000 इसकी मैक्स हो सकती है, 81 कुछ करके हो सकती है, वैसे 8000 यहाँ पे मैंने जो मैक्स देगी इसकी हो सकती है 8000। हम जैसे करेंगे इसके ये पूछेगा आपको चेंजेस प्रीव्यू, उसके प्रीव्यू जो होगा आपको वो 8000 पिक्सल्स में होगा, तो आप कर दोगे ओके। तो ये देख लो आप सीक्वेंस साइज इसका बड़ा हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ जाना है। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, इसको बैक स्पेस करिए, यहाँ से आपकी एक टेक्स्ट फाइल बन गई, इसको डिलीट कर दीजिए, इस टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करिए, इसको कर दीजिए बीच में अलाइन। जैसे आप बीच में अलाइन करोगे तो इसका जो भी अलाइनमेंट होगा उसमें आ जाएगा ये। सो इसको एस्केप जैसे आप करोगे, वी दबाओगे, ये सेट हो जाएगा। इसको आप थोड़ा बड़ा करके देख लो और इसके नीचे हमें नंबर लिखते जाना है, 1991 हो गया, 1992, फिर 1990, 1993, फिर 1994। तो जैसे आप 2000 करोगे, सिंपल देख रहे हो आप, आपको एक सीरीज़ बन गई। अब इसको आपको करना है लाइन बीच में। अब मुझे देखना है कि भाई इसमें ना ये जो जो डिफरेंस है बीच का, बेसिकली जो इनके बीच का स्पेस है उसको बढ़ाना है, तो मैं सारा सेलेक्ट करूँगा। जैसे सारे सेलेक्ट करूँगा तो मुझे इसकी लीडिंग चेंज करनी है, तो लीडिंग इसकी कहाँ से चेंज होती है, इसकी लीडिंग होती है यहाँ से चेंज, आई थिंक लीडिंग या ट्रैकिंग बोलते से। तो इसे जैसे हम बड़ा करेंगे तो ये आप देखो कि डिफरेंस इसका बढ़ने लग जाएगा। जैसे आप डिफरेंस बड़ा करोगे ये और बड़ा होता जाएगा। अब आपको इसको पूरा फिट करना है बीच में, ठीक है, जहाँ तक आपको लगता है कि भाई अब ये ठीक आ रहा है इसको फिट कर लीजिए। और इसका यहाँ से हमें करना अलाइनमेंट, अभी राइट अलाइनमेंट हो रखा है, इसको करना हमें सेंटर। यहाँ से जैसे हम सेंटर करेंगे ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा और इसे क्लिक करके बीच में ले आएंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली लिख लिया। अब हम जाएंगे अपनी ओरिजिनल फाइल में, तो जैसे हम अपनी ओरिजिनल फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हो आपको ये नंबर बड़े दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1920x1080 का फ्रेम साइज़ है और वहाँ पे क्या है, फ्रेम साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, चौड़ाई उतनी है मगर बड़ा उतना है। तो यहाँ पे हम एक एक्स के ऊपर एक इफेक्ट डालेंगे जिसे बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट 7 दबाएंगे आप नीचे सारे, आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल दिख रहे होंगे जो भी मैं दबा रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं। ट्रांसफॉर्म लिख के हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ट्रांसफॉर्म जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने मिलेगी। ये तो बाय डिफॉल्ट जो लेयर की प्रॉपर्टी होती है वो होती है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मोशन वाली, और जो ट्रांसफॉर्म पे आपको मिलती है वो ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। मगर इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ये देखो
यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर नीचे यहाँ से हम अलाइनमेंट कर सकते हो। तो अभी हमें 1998 चाहिए अपने में, ये आ गया 1998, हमें एक तरीके से बीच में चाहिए। तो हमने 1998 में लगा दिया एक पोजीशन का की फ्रेम, और इसको हम शिफ्ट दबा के राइट की करेंगे, लेफ्ट वाली की करेंगे, तो 5-5 का डिफरेंस आ जाएगा। सो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं एकदम 1 पे, तो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा और एक तरीके से 1998 में ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अलाइन करके ठीक कर लेते हैं कि जितना भी ठीक करना चाहो। जैसे आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे टाइम इंटरपोलेशन में करोगे, टाइम इंटरपोलेशन में आपको देखने का मिलेगा ईज आउट ईज इन, मैं ईज आउट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आप ग्राफ देखने को मिलेगा आपको, ये देखो ग्राफ, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये इस तरीके, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये पूरा ग्राफ है, ये जो आपको जूम लेयर में दिख रहा है, ये पूरा ग्राफ है एक तरीके से। तो इसको हम कर लेंगे सेटल, यहाँ से पकड़ के इसको यूँ और इसको यूँ, बेसिकली एक पीक बनाएंगे, ये पीक बन गई। अब देखिए 1998 में रतन नड्डा सर कितना स्मूथ गया है, देख रहे हो आप, एक फ्लो बना है। तो इस फ्लो को बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो एडिटिंग है जो स्मूथनेस आपको दिखे। सो अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा और हम इसको सेटल कर देंगे, और यहाँ पे देखिए 1998 में रतन टाटा ने, ठीक है, रतन टाटा सर ने बेसिकली उनको टाइटल मिला भाई, वर्ल्ड ने उन्हें टाइटल दिया सर का, तो रिस्पेक्ट करना बनता है थोड़ा। ये देखिए 1998 में रतन, मुझे थोड़ा सा और, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और तेज होना चाहिए, तो मैं इसको और तेज करूँगा। जितनी अच्छी आप जितना अपना टाइम अपनी कीज़ को देंगे उतना आपकी एडिटिंग 1998 में, अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा एक कम, मुझे लग रहा है कि ब्लर नहीं हो रहा है। तो ब्लर के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलती है यहाँ पे शटर एंगल की, यूज़ कंपोजिशन शटर एंगल को हटाना और यहाँ से 180 या 360 करना है, तो मैं 180 कर देता हूँ, मुझे 180 सेटल लगेगा। सो अब मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ एक बारी, रतन नड्डा सर ने अब एक बारी इसको, ये देखो इधर जाइए 1998 में है ना, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है तेज आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से और सेटल कर लूँगा, मैं लेयर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको आगे और सेटल कर दूँगा। अब देखिए 1998 में रतन, बेसिकली देख रहे हो कितना सिंपली आपने एक इफेक्ट को बनाया अपने प्रीमियर प्रो को यूज़ करके। ये आफ्टर इफेक्ट में बन सकता है, काफ़ी लोग आफ्टर इफेक्ट में बनाते हैं, मगर हमने इसको इसमें बना लिया। सो भाई यहाँ पे देखा हमने कितने सिंपल तरीके से बनाया, बेसिकली वहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया था टैको, यहाँ पे गौतम्स किया हुआ है, आप टैको कर सकते हो। अब आपको एक और चीज़ नहीं सिखाता हूँ, अगर आपको इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो सिंपल आपको ड्रैग डबल क्लिक करना है, सारी लेयर पर जाना, ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको सिंपल जो भी जिसमें भी चेंज करना है टैको, देख रहे हो कितना सिंपल यहाँ पे आपका सेट हो गया, इजीली था। आप इस तरीके से अगर आपको कोई भी कोई चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली हम लेयर्स पे काम करते हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से प्रोफेशनल चीज़ पे हम काम कर रहे थे, यहाँ पे हमारा कंट्रोल्स है, कई चीज़ों पे कई सॉफ्टवेयर पे इतने कंट्रोल्स नहीं होते, यहाँ पे कंट्रोल्स है। कभी भी आपको इन फ्यूचर चेंज करना हो, आपका क्लाइंट भाई डिमांड करता है मुझे ये वाला फोन पसंद नहीं आ रहा, मुझे आप दूसरा फोन दे दीजिए, तो आप यहाँ सिंपल सी चेंज कर सकते हैं। सो भाई यहाँ पे अपना दोबारा से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1998 में रतन टाटा, अब यहाँ पे बोला रतन टाटा सर, तो रतन टाटा सर की आपको इमेज बनानी है, जैसे कि सिंपल मैंने आपको चमकाया था, आप वहाँ जाके बना सकते हो। तो एक बार आपको मैं फिग्मा में बना के दिखाता हूँ, बाकी सारे एसेट मैं आपको दे दूंगा, आप उठा के लगा देना। अगर आप ये बना रहे हो, अगर आप अपना कुछ खुद का क्रिएट कर रहे हो तो आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। हम बेसिकली अपनी यहाँ जाते हैं, यहाँ रतन टाटा सर के बारे में सर्च करते हैं, यहाँ पे इमेज देखते हैं कौन सी है हमारे पास, ये रही वो इमेज, और यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कहीं मिल जाए ओपन लिंक में अच्छी क्वालिटी में, कोई नहीं, बेसिकली मैं आपको इस पे ही सिखा देता हूँ कि कैसे करना है, मैं वहाँ से उठा के लगा दूंगा जो मैंने बनाई थी। सो यहाँ पे आपको सिंपल जाना है, सिंपल इसको बड़ा करना है, और यहाँ से आपको कर लेना वही रिमूव प्लगइन रन, जैसे ही आप रन करोगे ये अपना बीजी हटा देगा। इस बीजी को हटाने के बाद यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी में लेनी है, यहाँ पे मेरे को हाई क्वालिटी में मिल नहीं रही, तो जस्ट फॉर एग्जांपल आप मैं दिखा रहा हूँ, और इसको यहाँ पे आप बड़ा करोगे तो यहाँ पे आप एकदम बड़ा करके इसके ऊपर आप पीले रंग का कोई भी डाल सकते हो, जैसे मैंने उसके पीछे पीले रंग का डाला हुआ था FFD30E, इसका कोड है ये, आपको ये उठाना है। अगर आप इसको ऊपर लाना है तो आपको ये वाली की प्रेस करनी है, जैसे आप प्रेस करोगे ये लेयर उसके ऊपर आ जाएगी, देन इन दोनों को सेलेक्ट करके आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सारे अलाइनमेंट्स हैं, इन सारे से अलाइनमेंट्स आपको अलाइनमेंट कर देना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इनको इमेज को एक्सपोर्ट करना है तो दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, जैसे आप कंट्रोल जी करोगे ये एक इमेज हो जाएगी। उसके बाद जहाँ पे भी आपको एक्सपोर्ट मारना है, जैसे एक्सपोर्ट मारना है यहाँ पे, तो ये अभी डिफ़ॉल्ट जा रहा है, जहाँ पे भी इसकी अभी सेलेक्ट नहीं है, बेसिकली जहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखी है तो वहाँ पे मैंने इसको उठा के डाल दिया। आपको जहाँ सेव करनी हो, अगर आपको क्रोम चलाना आता है तो आप सिंपली उसको लोकेशन देके सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे अपनी वापस उस पर जाते हैं, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ जल्दी से। सो भाई यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिए अपनी इमेज को, रतन टाटा सर मैंने यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे मैं अपना जो मैंने पहले से प्रीसेट बना रखा उसको डाल देता हूँ, स्लाइड एक शेडो वाला डाल रखा मैंने, शेडो और यहाँ पे अप प्लस शेडो, यानी दो प्रीसेट ये एक साथ बनाए हुए मैंने, तो ये देखिए अब यहाँ पे बन के आ रहा है। रतन टाटा सर ने
रतन टाटा सर ने तो यहाँ पे मुझे लग रहा है भाई थोड़ी सी तेज आ रहा है, तो वापस हम की फ्रेम्स को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, इस पे जाएंगे सिंपल से, इसको पीछे खींच देंगे। मुझे लगता है भाई थोड़ा सा रतन टाटा सर ने अपनी और थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई और थोड़ा स्लो आना चाहिए। सो पहले लेयर सेलेक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर जाएंगे, थोड़ा और खींच देंगे। तो अब देखते हैं इसका क्या बनता है। रतन टाटा सर ने अपनी ठीक है, रतन टाटा सर ने अब देखिए पूरा वो वाली कंपोजिटिंग वाली फील आ रही है। 1998 में रतन टाटा सर ने अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका। अब भाई ये वाला जो इफेक्ट मैं सिखाने वाला हूँ ना आपको, ये इफेक्ट भाई बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और अपने बड़े बड़े जितने भी आपने क्रिएटर्स देखा होगा, आपने आदित्य सैनी को देखा होगा, ध्रुव राठी सर को देखा होगा, नीतीश राजपूत सर को देखा होगा, और भी इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो बेसिकली अपनी स्टोरीज को बताते हैं अपनी वीडियोज़ में, वो काफ़ी यूज़ करते हैं इस तरह के ट्रांजिशन अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए। एक काफ़ी क्रिएटिव वे हो जाता है जिस तरीके से आप दिखा सकते हो अपनी स्टोरी को। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए होगा अल्फा। अगर मेरी आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसके आपको ट्रैक मेट का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाया था, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। ट्रैकमेट की में क्या होता है, आप किसी भी चीज का अल्फा यूज करते हो अपनी चीज को दिखाने के लिए। अल्फा बेसिकली क्या होता है, अगर मैं सॉफ्टवेयर की भाषा में बात करूं तो सॉफ्टवेयर को जो भी चीज व्हाइट में दिखती है, जो भी चीज़ व्हाइट में दिखती है अंदर प्योर व्हाइट होती है वो अल्फा होता है, यानी वो चीज़ पे कुछ ओपेसिटी है, और जो ब्लैक होती है सॉफ्टवेयर उसे नहीं समझता कुछ भी, उसको समझता है ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा को लॉन्च किया मगर। तो भाई बेसिकली मैं यहाँ पे पूरी वो उठा के ले आया हूँ फुटेज, तो यहाँ पे मेरे को नीचे वाला नहीं चाहिए, तो हमने कैसे कहा था आपको होल्ड दबाओ और डिलीट मारो, तो इसको यहाँ पे हम ले आए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बेसिकली जो वाइट है इसको लगता है ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी इन द सेंस सॉफ्टवेयर को लगता है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, और जितना ब्लैक है यानी वाइट वाइट डॉट है वहाँ पे भी कुछ चल रहा है, जो ब्लैक चल रहा है वो पूरा पीएनजी है। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे, हम करेंगे इसको नेस्ट। नेस्ट दबाने के लिए आप सिंपल वही कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे नेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे इसको दे सकते हो लीक इफेक्ट, एक नाम देते हैं इसको लीक इफेक्ट। तो इसको एंटर कर देते हैं, जैसे हम एंटर करेंगे ये नेक्स्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है भाई, टाटा रतन सर ने क्या बोला है, इंडिका को लॉन्च किया था, उसकी इमेज आप जाके ऑनलाइन सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। मैं टाइम बचाने के लिए सीधा इंपोर्ट करता हूँ। सो बेसिकली भाई यहाँ पे इमेज हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस इमेज को मैं क्या करना है, इस इमेज को मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ, इस इमेज के लिए मैं करने वाला हूँ, मैं इस इमेज पे इफेक्ट लगाना, तो ये इमेज नीचे जाएगी, इसके ऊपर ये आएगा, इसको हमने सेलेक्ट करना, और यहाँ पे हमें जाना है इफेक्ट कंट्रोल में, और यहाँ पे सर्च करनी है मैं इफेक्ट ट्रैक मैट की। जैसे आप ट्रैक मैट की को इंपोर्ट करोगे इसके ऊपर, देन जो भी जिस लेयर पे भी आप अप्लाई करने वाले हो, पहले हम इसको नीचे ले आते हैं, जिस लेयर पे भी आप अप्लाई करने वाले हो उसको आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रैक मैट की के ऑप्शन। तो यहाँ पे ट्रैक मैट की मैं किस पे लगा रहा हूँ, मेरी वीडियो है V1 पे, तो V2 पे लगेगा, यानी ऊपर वाली वीडियो पे लगेगा, मैं ऊपर वाली वीडियो का मैट इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपनी नीचे वाली वीडियो में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा मैट 2। तो जैसे ही मैं मैट 2 करूँगा तो अभी आपको कोई कुछ नहीं दिखा होगा सर, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा मैट लूमा, अभी मुझे इसका लूमा यूज़ करना है, और इसे कर दूंगा रिवर्स। तो आप जैसे ही ये देखोगे इफेक्ट बनते के साथ आपको एक लीक खुलता हुआ दिखेगा, है ना, ये देखो। अब इसको पूरा जहां तक ये खुल रहा है वहां तक आप इंपोर्ट कर लो। मुझे लग रहा है भाई थोड़ा स्लो आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और रिसाइज कर दूंगा, और इसको इसको ऐसे रख लूंगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे थोड़ा और फास्ट कर सकते हो, जैसे 120 के आसपास मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। आप इसे इस तरीके से खेल सकते हो चीज़ों के साथ। टाटा इंडिका को लॉन्च किया मगर टाटा इंडिक इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ भाई आ गया है, थोड़ा सा आप जितना एडजस्ट करना चाहो उतना एडजस्ट कर सकते हो। टाटा इंडिका को लॉन्च किया मगर टाटा इंडिका सुबह, यहाँ पे मैंने बात करी, टाटा इंडिका ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे उसको जैसा रतन टाटा ने सोचा था। तो यहाँ पे क्या टाटा इंडिका से रिलेटेड हम क्या डाल सकते हैं, हम इमेजेस डाल सकते हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वीडियो का यूज़ किया, तो वीडियो यूज़ करने के लिए मुझे सिंपल वो वीडियोस इंपोर्ट करनी है, सो सिंपल उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे ले आएंगे। सो भाई हम उस वीडियो में यहाँ पे उठा के ले आए हैं, और उस वीडियो को उठा के मैं कुछ यूज़ करना चाहता हूँ उसको, वो वाला पार्ट जो यहाँ पे ये गाड़ी बन रही है, तो ये वाला पार्ट एक तरीके से मैं यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ से कट कर देंगे हम इसको, और इसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, रतन टाटा को बेचनी पड़ेगी ये बात। तो यहाँ पे जो आपकी इसकी मेन ऑडियो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, 4 एक चेंज की भाई फैक्ट्री में काम चल रहा था, फैक्ट्री में काम दिखे होता हुआ, तो इसको हम यहाँ पे उठा के यहाँ ले आएंगे। टाटा इंडिका को लॉन्च किया मगर टाटा इंडिका देख लो, टाटा इंडिका ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा रतन दादा सर कहते थे। अब मेरे को लग रहा है भाई इस तरीके से आ रहा है तो ठीक है, इसको थोड़ा नीचे एडजस्ट कर लेंगे, और इस तरीके से ठीक है। वो सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोच, अब यहाँ पे बात करिए सफलता नहीं प्राप्त करी, तो सफलता प्राप्त नहीं करी तो उसके लिए इंडिका को हमें लाना होगा। तो इंडिका की आप इमेज ऑनलाइन जाके सर्च कीजिए, और वैसे ही रिमूव करना आपको बीजी जैसा मैंने अभी सिखाया था आपको। तो इंडिका की रिमूव करने के बाद आप सिंपल उसे यहाँ ले आएंगे, आप इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस पर अपनी टाइमलाइन पे, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे यहाँ तक हम इसे टाइमलाइन को ख़त्म कर देंगे। सो भाई यहाँ पे इसकी ऑडियो को भी आप फेड आउट कर देते हैं, शिफ्ट डी के दबाए, जैसे आप दबाएंगे तो थोड़ा थोड़ा फेड आउट हो जाएगा आपकी ये पूरी सीक्वेंस, इसको फेड आउट कर देते हैं।
और यहाँ पे मैंने बोला जैसा कि वो सफलता प्राप्त नहीं करी, तो उसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे डॉलर वाला जो हमने सेम यहाँ पे ये लीक इफेक्ट बनाया हम वैसा बना सकते हैं। तो वो लीक इफेक्ट बनाने के लिए अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को लीक इफेक्ट टू बनाना है और मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, मैं दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लीक इफेक्ट वाला जो भी सीक्वेंस है आपको यहाँ पे इधर जाइए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा लीक इफेक्ट, ये आपका सीक्वेंस। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप लिस्ट व्यू में आ जाइए। लिस्ट व्यू में जैसे आप आएंगे इधर से लिस्ट व्यू में जैसे आपको लीक इफेक्ट वाला दिखेगा, इसको आपने कंट्रोल सी करना है, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए और इसे नाम दे दीजिए, इसको एंटर करके यहाँ पे नाम दे दीजिए 02, ताकि आपको यहाँ याद रहे भाई क्या वाला हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें। सो आपको सिंपल ये क्या करना है, आपने अपनी एक इमेज उठानी है जो भाई आपकी डॉलर वाली इमेज है, जिसमें आपको लगता है भाई इमेजेस थोड़ा मज़ा आ सकता है, अपना एक पैसे वैसे वाली फील आ सकती है, तो उसको उठा लेना है आपको यहाँ पे। सो भाई मैं इमेज ले आया हूँ, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल ओल्ट वी करके जैसे आप इसके एट्रीब्यूट मांगेगा ये एट्रीब्यूट आपको पेस्ट कर देना है इसके, जैसे आप एट्रीब्यूट पेस्ट करोगे इसके ये ओके हो जाएगा, देन इसको डिलीट कर दीजिए आप और इस वाली फाइल को नीचे रख दीजिए। सिंपल वो लीक वाला इफेक्ट बन गया आपका, देख रहे हैं कितना प्यारा इफेक्ट आया। अब आपको सिंपल क्या करना है, इस पे जाना है और ये जो लीक टू जो आपने बनाया उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना आपको इसके नीचे, सॉरी लीक टू उठाइए और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। देख रहे कितना प्यारा बन गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बोला भाई वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा भाई रतन टाटा सर ने सोचा था, अगर आप टू स्क्रीन पर काम करते तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा, अगर वन स्क्रीन पर करते थोड़ी सी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, मगर धीरे धीरे आप सीख जाओगे। मैं टू पे करता तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सो इसके लिए मैं स्लाइड अप डालूंगा अपना वही शेडो वाला अप एंड प्लस शेडो और यहाँ पे इसको कर देंगे जैसा कि रतन टाटा सर, इसको मैं थोड़ा सा और फास्ट कर देता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, इसको कर देता हूँ 300 जैसे, ठीक है 300 यहाँ पे इफेक्ट आ गया वो वाला। सो जैसे हम करेंगे जैसा कि रतन टाटा, इसको मैं थोड़ा सा आगे से ले लेता हूँ, ये थोड़ा पीछे से था जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नुकसान टाइप हुआ, तो नुकसान का नंबर या चिन्ह या एक तरीके से साइन आप कह सकते हो रेड, जहाँ भी रेड होता है मैं डेंजर दिखता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने पैनल पे, इधर जैसी पैनल पे जाऊँगा, इधर पैनल पे जाने के बाद मैं इस यहाँ से ले सकता हूँ एक नया इफेक्ट, एक तरीके से यहाँ पे आप जाएंगे इसको बड़ा कर लेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा कि नया, तो यहाँ पे आपको कलर मैट ले लेना है, कलर मैट आप लोगे ओके कर देना और यहाँ पे ले लेना रेड, जैसे आप रेड लोगे यहाँ पे आपको ओके कर देना है, रेड उठाना है इसके बीच में ला देना है और इसके बीच में लाने के बाद आपको मैंने बताया था ब्लेंडिंग मोड से इसे कर देना मल्टीपल, ठीक है मल्टीपल पर जैसे आप करोगे, मल्टीपल करने के बाद क्या होगा, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इसमें रह जाएगी पीछे वाली। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको दे सकते हो ओपेसिटी का एक तरीके से टच, जो आपको एक तरीके से फील देगा कि भाई कुछ नुकसान हुआ है, तो इसमें नुकसान देने के लिए हमें क्या करना, ओपेसिटी लगानी है यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसके बाद ये जो लास्ट वन होगी इस पर जाना, आपको ये 100 रहेगी, पीछे वाली पे आना और यहाँ पे इसको 0 कर देना, देखो कितना अच्छा इफेक्ट आएगा। नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था टाटा, ठीक है अब ये इफेक्ट आया कि भाई जैसे नुकसान टाइप हुआ है कुछ, तो ये आपको करना है, ये आपको सोच रखनी है भाई कैसे आप दिखाओगे कैसे आप करोगे, इसको भी टाइम इंटरपोलेशन में जाके ईज आउट कर सकते हो, देन इसके ग्राफ सेट कर सकते हो, जैसा आपको मन करे वो कर सकते हो आप, यहाँ इसको उठा लो, यहाँ से हल्का सा इसको यूँ उठा लो, तो एक ग्राफ टाइप बन गया। करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था टाटा इंडिका की, ये थोड़ा सा अभी लैग हो रहा है क्योंकि बहुत सारी फाइल एक साथ चल रही है नेस्टेड वगैरह। सो जैसे हमने यहाँ पे देखा यहाँ तक हुआ सारा सीन, टाटा इंडिका की वजह से इतना नुकसान हुआ कि टाटा इंडिका की वजह से इतना नुकसान हुआ है तो भाई रेड आया, और उसके साथ हम टाटा मोटर्स का भी कुछ डाल सकते हैं। अभी मुझे थोड़ी सी ये बड़ी लग रही है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो भी लेयर आपने सेलेक्ट करनी है मोशन इसमें सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं और यहाँ से इसको आप सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे, टाटा मोटर्स यहाँ पे ला सकते हैं हम पीछे, तो टाटा मोटर्स के लिए हमें वो इंपोर्ट करनी होगी फाइल टाटा मोटर्स की, तो उसको उठा के यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। आपको सिंपल सारी चीज़ें वैसे रिमूव करनी जैसे मैंने फिगमा में सिखाया, बहुत इजीली हो जाएगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके रिमूव कर लीजिए बीजी। टाटा मोटर्स के हमने उठाइए, यहाँ पे टाटा मोटर्स हम डाल देते हैं, टाटा मोटर्स होया यहाँ डाला, इसकी भी PNG काटी भी हमने, इसको हम लिखेंगे इंडिया के पीछे। सो इसे भाई हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इसको हम टाटा मोटर्स को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं अगर चाहे तो, थोड़ा मैं इसको और बड़ा करना चाहूँगा, इसको थोड़ा और नीचे करना चाहूँगा, और ये जो हमारा पीछे लीक वाला इफेक्ट है जिसमें हमने मनी रखा है इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहूँगा, और इसके ऊपर डालना चाहूँगा मैं स्लाइड अप ना शेडो वाला। भाई सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करो, जो बनाया एक बारी तो बार बार मेहनत क्यों करनी। तो शिफ्ट शिफ्ट वाइप दबाएंगे, यहाँ पे जाएंगे
अपनी भाई टाटा मोटर सेलेक्ट करेंगे लेयर और यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा सेटल कर देंगे। तो यहाँ पे बन गया हमारी करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था टाटा इन। ठीक है भाई, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है आप कर सकते हो, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे जो आपको सूटेबल लगता है, जिस हिसाब से आपको लगता है भाई मेरी क्रिएटिविटी है तो उस तरीके से वो क्रिएटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भाई प्रीमियर प्रो एडिटिंग और ये पूरा क्रिएटिविटी वाले वर्ल्ड में भाई कोई एक सिंपल रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है आपको। क्रिएटिविटी के काम में ये रहता है कि जो आपका मन करे वो करो, आपको सिंपल एक कैनवस दे रखा है उसका यूज़ करो। तो भाई ये देखो हमने यहाँ कर लिया, मैं अपने तरीके से मैं सिर्फ आपको एक वे दे रहा हूँ कि आपको कैसे एडिट करनी है, बाकी आपके पास अपना ओन वे है, सबका अपना यूनिक वे होता है, कोई गलत कोई सही नहीं होता इसमें। सो ये देखिए ये आ गया, सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था टाटा इंडिका। तो भाई यहाँ पे हमने देखा इसके हिसाब से ये पूरा सेटल डाउन हो गया है। अब इसमें क्या करना है हमें, या आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सही से। अब इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ये हटा देते हैं, एक बार हम पूरा प्रीव्यू करके देखते हैं कैसा हमारा आ रहा है। 1998 में रतन टाटा सर ने अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, मगर टाटा इंडिका ने वो सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था। टाटा इंडिका मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है, इसको बड़ी कर लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ी बड़ी होगी। और यहाँ पे क्या है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा चेंज इसका, अगर आप चाहो तो भाई पूरा नहीं दिखाना चाहते तो आप इसके ऊपर मास्क लगा सकते हो, या मास्क का कॉन्सेप्ट भी है। आप सिंपल यहाँ जाओगे, ये रही आपकी लेयर, ये रहा आपका इफेक्ट कंट्रोल ओपेसिटी, ये रही, जैसे आप दबाओगे यहाँ पे दबाओगे आप ये सर्कल, तो यहाँ पे जैसे सर्कल दबाओगे तो ये आ जाएगा सर्कल, जैसे आप दबाओगे इसे आप बड़ा कर लो जहाँ तक आपको लगता है भाई यहाँ तक मुझे सही लग रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके कर लेते हैं हम यहाँ, और इसको थोड़ा सा और फैला देते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा इफेक्ट आ गया भाई। टीका ने वो सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था। ठीक है, नुकसान हुआ कि कंपनी ने सोचा था टाटा इंडिका की वजह इतना। अब यहाँ पे मैंने बोला है, अब मेरे को चाहिए भाई ये जिस तरीके से आया उसी तरीके से वापस जाए, तो आपको सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सेलेक्ट करना है टाटा मोटर्स वाली जो लेयर है, यहाँ पे जाना आपको इफेक्ट कंट्रोल में, इफेक्ट कंट्रोल में आपको इस दोनों को सिलेक्ट करके ओल्ड की प्लेस करनी है और ये इसकी डुप्लीकेट बना देगी। अभी ये इसी सीक्वेंस में बनी है, यानी इसको हमें पीछे करना पड़ेगा, जैसे हम पीछे करेंगे एक की बन जाएगी, इसको सेलेक्ट करना। अब देखो जिस हिसाब से आया उस हिसाब से जाएगा। रतन टाटा सर ने सोचा था टाटा इंडिका की वजह इतना नुकसान हुआ कि कंपनी घाटे में जाने। अभी हम इसको थोड़ा सा वो मान लेते हैं, रेंडर प्रीव्यू हमने रेंडर कर लिया जस्ट फॉर, अगर आपको रेंडर करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, इधर जाना है, अभी आपको बता देता हूँ। अगर आपको प्रीव्यू में दिक्कत आ रही है, कभी कभी आ जाती है जब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे कंप्यूटर में चल रही है, OBS चल रहा है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग की मेरा कैमरा वगैरह इससे इंटीग्रेट हो रखा है, तो उस वजह से थोड़ा सा असर आता है। तो आपको सीक्वेंस सेटिंग में जाना है और यहाँ पे करना था रेंडर इन आउट। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है रेंडर इन आउट, रेंडर इन आउट जैसे आप करोगे वैसे आपकी ये पूरी जितना सेलेक्ट होगा उतना रेंडर इन आउट हो जाएगा। अब देखिए चला के देखना, जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था टाटा इंडिका की वजह इतना नुकसान हुआ कि कंपनी घाटे में जाने लगी। इस देख रहे हो कितने आराम से गया है ये टाटा मोटर्स वाला, जो हमने पीछे यहाँ कीज लगाई थी, अब हमें सिंपल यहाँ पे भी कीज लगानी है, तो हमें इस पे जाना है, हमें ओल्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसको उठा के कीज को हमें यहाँ से करना है एडजस्ट और इसको थोड़ा सा और फैला देना है। सिंपल तरीके से बन गया, देखिए नहीं करी दोबारा से आपको रेंडर करना है, सीक्वेंस पर जाएंगे, सीक्वेंस रेंडर इन आउट, मैंने शॉर्टकट से ऐड कर रखे हैं इसके, अगर आप चाहोगे तो शॉर्टकट्स पे भी कि मैं कौन सा शॉर्टकट यूज़ करता हूँ उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी ना व्हाट्सअप की, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी बहुत सारे मैं इनसाइट्स यहाँ के शेयर करता हूँ जो यहाँ पे नहीं कर सकता कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से, वो वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से शेयर होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ देता हूँ। अभी स्टार्ट नहीं किया, मैंने लाइनअप कर लिया है टीम के साथ, टीम ने बोला वहाँ पे स्टार्ट करो, तो वहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था टाटा इंडिका की वजह इतना नुकसान हुआ कि कंपनी घाटे में जाने लगी। इसी के देख रहे हो, अब यहाँ पे सिंपल यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक हमने कर लिया इसको सही। अब इसको हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सेटल डाउन कर, अगर आपको ये दिक्कत आती है ना नीचे लाते ही आपकी लेयर आगे पीछे हो जाती है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाना और नीचे ड्रैग करना है, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे नीचे ड्रैग हो जाएगी, कॉपी भी नहीं बनेगी, एग्जैक्ट थोड़ी ऊपर नीचे आगे पीछे भी नहीं होगी, आई थिंक नीचे एकदम बढ़िया तरीके से होगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो अभी बोला मैंने नुकसान हुआ तो रतन टाटा सर ने इसको बेचने का सोचा, तो रतन टाटा सर की मैं इमेज चाहिए, रिमूव वैसे ही करना है, सिंपल मैं उठा के ले आता हूँ इसको, यहाँ थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। सो यहाँ पे हम उठाते हैं अपनी इमेज को, यहाँ ले आते हैं, सिंपल आपको करना है ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर आप इमेजेस वाला चाहते हो तो आप, अगर आप चाहते हो भाई इसी के हिसाब से बड़ी आए तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल ओल्ट वी, जो भी उसके इफेक्ट्स होंगे वो सारे इस पर लग जाएंगे। ये देखिए कि कंपनी घाटे में जाने लगी, अभी ये थोड़ा तेज आया तो इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, यहाँ पे कर लेते इसको एडजस्ट,
कीज आपको पता है की फ्रेम्स को आप जितना अच्छे तरीके से रिफाइन कर पाएंगे उतने बढ़िया तरीके से आपकी चीज़ें और अच्छी चीज़ें से होगी। अभी देखिए बाकी कंपनी घाटे में जाने लगी। इस मेरे को थोड़ा सा तेज लग रहा है, इसको थोड़ा और स्लो डाउन करते हैं, थोड़ा सा और स्लो डाउन। कंपनी घाटे में जाने लगी इसी के यहाँ पे आ जाते हैं चलते सर। रतन टाटा ने टाटा इंडिका को बेचने वाला सीन यहाँ तक है तो इसको हम क्लियर इन आउट कर लेते हैं। इसी के चलते सर रतन टाटा ने टाटा इंडिका को बेच यहाँ पे आया ना। सो अगर आपको नहीं पता लग रहा ना आपकी कीज का है तो आपको सिंपल यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, आपको दिख रहा भाई यहाँ पे आता हुआ पूरा हो गया और यहाँ पे जाके आपको एम कर देना तो यहाँ पे की फ्रेम एक तरीके से आपका मार्कर लग जाएगा जहाँ पे आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे आ गया मेरी जो की जो इमेज है वो पूरी तरीके से फ्रेम में आ जा रही है। तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे चाहिए टाटा इंडिका को, मुझे इस तरफ का ही चाहिए तो मुझे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे चाहिए कि भाई सारे चले जाए तो अब मुझे यहाँ पे जाके अपनी मैनुअली की फ्रेम थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक निकल जाए। इसको भी एडजस्ट किया और यहाँ गए इसको भी एडजस्ट किया। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल बी ऑलवेज देयर। इसी के चलते सर रतन टाटा ने टाटा इंडिका को बेचने अब इसको हम थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए कंट्रोल और शिफ्ट डी डाल देते हैं तो सारे क्रॉस डिजोल्व हो जाएंगे। टाटा इंडिका को बेचने का अब यहाँ पे बेचने के लिए क्या आ सकता भाई, सेल है बेसिकली तो हम सेल लिख देंगे उसके पीछे कंट्रोल डी करेंगे सेल। और मैं चाहता हूँ भाई मैं इसको थोड़ा सा इफेक्ट दूँ एक तरीके से बड़ा, थोड़ा मुझे फैला हुआ फ़ॉन्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा समर, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये। इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब इसको हम सेलेक्ट करके मुझे भाई टाटा सर के पीछे चाहिए तो टाटा सर के पीछे हम ले आएंगे, टाटा सर के पीछे जैसे हम यहाँ लाएंगे और इसको हम कर देंगे ग्रीन। तो यहाँ पे हम मैं इस पे सबसे पहले था FF00 ये ग्रीन का की है और इसके ऊपर हमें इफेक्ट लगाना भाई ग्लो, तो शिफ्ट 7 करके हम इफेक्ट प्लान पे आ जाएंगे और VR ग्लो कर देंगे इस पे। VR ग्लो जैसे आप करोगे इसको सेल पे डाल दो और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इसका थ्रेशोल्ड हमें बढ़ाना पड़ेगा बस, इसका जो लूमा थ्रेशोल्ड से कम करोगे तो आपको एक हल्का सा ग्लो दिखेगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारा कैसा जा रहा प्रीव्यू, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ तक पूरा एक तरीके से रेंडर मरेगा। मैंने कंट्रोल जीरो पे वही सीक्वेंस रेंडर इन आउट लगा रखा है, अगर इन आउट भी नहीं लगाओगे तो आप सीक्वेंस रेंडर कर दोगे तो पूरा वैसे भी आपको रेंडर करके दिखा देगा। 1998 में रतन टाटा सर ने अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, मगर टाटा इंडिका ने वो सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था। टाटा इंडिका की वजह इतना नुकसान हुआ कि कंपनी घाटे में जाने लगी। इसी के चलते सर रतन टाटा ने टाटा इंडिका को बेचने का सोचा और इसे बेचने के लिए उन्होंने अमेरिकी कंपनी, देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा स्लो जा रहा है तो इसको मैं थोड़ा तेज करना चाहूँगा, तो इसको जाके हमने वापस कीज एडजस्ट करनी है भाई, इतना स्लो भी जाएगा हम थोड़ा सा अमेरिकी कंपनी। अब अमेरिकी कंपनी फोर्ड, तो फोर्ड को मिलाना है सिंपल, हमें यहीं से ऐसी कंपोजिट करना है। फोर्ड क्या हो सकता है, बिल फोर्ड उसका मालिक है तो बिल फोर्ड की इमेज लाएंगे और पीछे फोर्ड का लोगो लाएंगे, जैसे हमने वहाँ पे रिमूव किया था बीजी यहाँ पे भी रिमूव कर लेंगे और सिंपल उसको उठा के ले आएंगे। तो मैं ले आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, बिल फोर्ड को उठा के ले आते हैं हम यहाँ पे। अगर आप ये नहीं चाहते तो भाई मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे सर वापिस जाए तो यहाँ पे हम एक तरीके से वो लगा सकते हैं, सर रतन टाटा को हटा देते हैं यहाँ से, हम चाहते हैं भाई नहीं, हम यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन लगा देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे बिल फोर्ड को। तो बिल फोर्ड की इमेज हम ले आते हैं फटाफट, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा भैया बिल फोर्ड आ गए यहाँ पे, बिल फोर्ड को उठा के हम ले आए यहाँ पे और बिल फोर्ड को हम ले आते हैं यहाँ इसकी तरीके से और बिल फोर्ड के अलावा यहाँ पे हमें चाहिए फोर्ड की इमेज, तो फोर्ड की इमेज हम यहाँ ले आते हैं और फोर्ड की इमेज को हम क्या करते हैं पीछे यहाँ पे कर देते हैं सिंपल और यहाँ पे हमें बिल फोर्ड आते देखेंगे, ये रहा भैया अपनी फोर्ड को चुना। अब इसके ऊपर हम एक तरीके से ट्रांजिशन लगा सकते हैं, तो मैंने एक तरीके से ऑनलाइन जाके डाउनलोड किया है, आप सिंपल जाएंगे फ्लैश ट्रांजिशन लिखेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, तो उसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे यूज़ कैसे करना उसको। तो भाई हमने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लिया फ्लैश अपनी और यहाँ पे आ गया, मुझे यहाँ दिख रहा है एकदम से पूरा होता हुआ, तो मैं यहाँ पे जाके इस पे एम लगाऊंगा, जैसे ही एम में लगाऊंगा तो मुझे लग जाएगा भाई इस साइड पे आके इसको पूरी तरीके से हमें एक तरीके से पूरा अपने फ्रेम पे ये कवर हो रहा है, यहाँ कवर हो रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ पे सिंपल कर देंगे स्क्रीन, तो यहाँ देखिए इफेक्ट बनेगा फोर्ड को सुना, देख रहे हो कितना अच्छा और सिंपल वे में हमने कर दिया चीज़ें, तो ज़्यादा हमें दिक्कत भी नहीं हुई और चीज़ें भी हो रही है। तो बिल फोर्ड यहाँ पे हो गया सिंपल एक तरीके से, कंपनी फोर्ड को चुना, अगर फोर्ड के ये सारा मैं आपको एसेट में मिल जाएगा आपको तो इजीली आप यूज़ कर सकते हो।
इसी के चलते सर रतन टाटा ने टाटा इंडिका को बेचने का सोचा और इसे बेचने के लिए उन्होंने अमेरिकी कंपनी फोर्ड को चुना। अगर आपको आपने ना एक चीज देखी होगी दुर्वाटी सर की वीडियो में कि ना उनके पीछे वो होता रहता है उनका बैकग्राउंड ब्लर फोकस ब्लर फोकस, तो उसको सिंपल आप पता कैसे बना सकते हो, आप यहाँ जाइए एक एडजस्टमेंट लेयर लीजिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक एडजस्टमेंट लेयर मिल जाएगी, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर को ले लीजिए, सेलेक्ट उसी साइज में कीजिए जिस साइज में आपको चल रहा है, वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ले लेगा, उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और इस पर डालिए गॉशियन ब्लर, मैं डाल देता हूँ गॉशियन ब्लर, गॉशियन ब्लर सर्च करेंगे तो गॉशियन ब्लर यहाँ पे आ जाएगा, हमें सिंपल इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इधर लाएंगे F5 दबाएंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ब्लर की वो बढ़ानी है ओपेसिटी, अभी हमारे ऊपर ये है तो जस्ट हम 22 इसके लिए क्या करते हैं, अभी हम इसको ऊपर ले आते हैं सबसे ताकि हमें थोड़ा इजीली दिखे, सारी चीज़ें हमें इजीली दिख जाए, इसके ऊपर ले आए हम, अभी हमने यहाँ पे ब्लर बढ़ा देना है, इसे ब्लर 15 कर देना, तो हमने यहाँ ब्लर 15 कर दिया, फिर एक और की फ्रेम लगाएंगे 5 पे, यहाँ पे लगा देंगे हम 0, फिर ऐसी 2 पे लगा देंगे हम थोड़ा 50, फिर ऐसी 2, बस जस्ट रैंडम बट चलना है आपके, फिर ऐसे करके 0, फिर ऐसे करके यहाँ 75, तो देख रहे हो आप एक इफेक्ट बनेगा ऐसा नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, अभी वहाँ पे रेंट चल रही चुना, मगर फोर्ड के सीईओ बिल फोर्ड ने इंडिका को लेने से मना, देख रहे हो अब एक इस तरीके से बन रहा है, अब यहाँ पे जाके हमें सिंपल क्या करना है, इसको थोड़ा पीछे कर देना उठा के और इसको उठा के हमें ओल्ड दबा के इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है आप इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हो, यहाँ से उठाइए पीछे कर दीजिए, इसी तरीके से आप उठा के इसको और आगे कर सकते हो, देन सबको क्लिक कीजिए ओल्ड दबाइए आगे कर दीजिए, इस तरीके से एक डिफॉल्ट ट्रांजिशन बन गई, और इसकी ओपेसिटी आपको लगता है भाई ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे इसे कम कर दीजिए, मैं 50% रख रहा हूँ, आप जो चाहे वो रख सकते हो, तो यहाँ पे देख रहे हो अभी ये पीछे आप नोटिस करोगे कि कंपनी घाटे में, यहाँ से पीछे नोटिस करोगे फोर्ड के सीईओ बिल फोर्ड ने इंडिका को फोकस होता रहेगा वैसे मना कर दिया। सो भाई यहाँ तक देखा आपने कितने सिंपल स्टेप्स में हमने बना लिया, तो इसके आगे की बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला अमेरिकी कंपनी फोर्ड को चुना, अगर फोर्ड के सीईओ बिल फोर्ड ने इंडिका, भाई बिल फोर्ड में यहाँ पे बोला कि बिल फोर्ड ने मना कर दिया टाटा सर को इंडिका लेने से, तो यहाँ पे हमने वो स्टोरी बनानी है पूरी, तो दोनों इमेजेस लाएंगे रिमूव करके बीजी और उनको मैं फटाफट यहाँ से ले आता हूँ, सो जस्ट यहाँ पे मैंने लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इनको दोनों को, और यहाँ पे टाटा सर को और इनको, और यहाँ पे हम इनको थोड़ी साइजेस एडजस्ट कर लेंगे, साइज एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इनको यहाँ ले आता हूँ टाटा सर को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, और बिल फोर्ड को मैं ले आता हूँ यहाँ, अभी बिल फोर्ड देख रहे हो आप इस साइड आ रहे हैं, तो इसको मेरे को बड़ा करना हो तो इस साइड फ्लिप करना, तो यहाँ पे सिंपल एक इफेक्ट आता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा मैं, तो देखिए सिंपल यहाँ आ जाएगी, सो यहाँ पे ये आ गया इफेक्ट, सो भाई मैंने बोला यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड, फोर्ड ने इंडिका को लेने से मना कर दिया, तो मना करने के बाद मैंने यहाँ पे एक इफेक्ट डाला हुआ नॉट इंटरेस्टेड, तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे नोट, पहले इसको छोटा कर लेते हैं इस हिसाब से, फिर लिख देते हैं इस पर नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, तो भाई इसके लिए मैं जो यहाँ पे फॉन्ट यूज़ करूँगा वो करूँगा टैको बोल्ड जैसी मैंने इस्तेमाल किया, पहले इनको कर लूँगा वाइट, इसको वाइट कर लेंगे और वी करेंगे तो छोटा करके यहाँ पे इनके मुंह पे लगा देंगे, क्योंकि तो भैया बोल लेना थोड़े से लाइट वाली दिखनी चाहिए इनकी, तो यहाँ पे कर देंगे इधर इसको बैकग्राउंड को ब्लैक, सो भाई साहब बाइक का हो गया काम 35, सो इसकी थोड़ी सी आपको बोर्डिंग बनानी है तो बोर्ड बना सकते हो आप यहाँ पे, अब देखोगे आपको लिखा हुआ दिखेगा, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये दोनों बड़े हो जाए, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड का मुझे बॉर्डर और बढ़ाना है तो मैं इस बॉर्डर को और बढ़ा दूंगा, और नॉट इंटरेस्टेड में ना एक चीज़ मैं लिखूंगा, नॉट को लिखूंगा रेड से, नॉट चाहिए मुझे रेड से, तो इधर इसको ओपन कर देंगे रेड, तो भैया ये प्रॉपर हमारा मसाला रेडी हो गया, नहीं इंडिका को लेने से मना कर दिया, ठीक है भाई, हमें सिंपल सा एक अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं एक्सेंट, इंडिका को लेने से मना कर दिया, अभी हमें लग रहा है भाई मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाटा सर ऊपर है, टाटा सर को नीचे लाना पड़ेगा, इनको उठा के अपन नीचे ले आते और थोड़ा सा इधर भी ले आते,
इंडिका को लेने से मना करती। अब भाई यहाँ पे एक डील हो रही है, तो यहाँ पे हमें डील का कुछ हाथ मिलाते हुए कुछ लाना चाहिए, तो हम इसको उठाएंगे यहाँ ले आएंगे, यहाँ डील वाला ले आएंगे, उठा के इस डील को यहाँ उठा के ले आए दोनों के पीछे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। डील को बड़ा करने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे नीचे, और इसकी ओपेसिटी हम चाहे तो मल्टीपल कर सकते हैं, मैंने मल्टीपल कर दिया। और डेंजर का दिखाने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, कलर मैट को उठा के सिंपल यहाँ वापस ला सकते हो। तो लो इंडिका को लेने से मना कर दिया। कुछ सालों मना करने के बाद कीज इसकी कहाँ जा रही है, इसकी कीज यहाँ पे, तो मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ पे, आ जाए पहले जल्दी से आ जाए, ज़्यादा देर ना हो, इसको उठा के हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। लो भाई को लेने से मना कर दिया, ठीक है भाई, लग रही है एडिटिंग पूरी। इंडिका यहाँ तक हमने इफेक्ट पूरा बना लिया, ठीक है। कुछ सालों बाद ही 2008, अब यहाँ पे 2008 की मैंने बात करी, दोबारा से हम वही नंबर वाला जो है अपना रिपीट कर देंगे। तो नंबर रिपीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा वो पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, हमें नंबर वाले पे जाना पड़ेगा। हम जैसे ही नंबर वाले पे जाएंगे, इधर इधर आके नंबर वाला कहाँ है हमारा, इधर देखते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको लिस्ट व्यू में करेंगे तो सारा कुछ समझ में लग जाएगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे नंबर वाले में, नंबर वाले में जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको जाके यहाँ से उठाएंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और जैसे दूसरा हो गया इसको दे देंगे 02। 02 को उठाया, इधर आए 02 को उठा के हम यहाँ ले आए, हम इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, जब थोड़ा सा बजा दे ही हो रहा है, नॉट इंटरेस्टेड नंबर 2008 में जब ग्लोबल रीच 2008 में, अभी इस काम यहाँ पे जाके पहले इसके सारे नंबर हम चेंज कर देते हैं 2008। तो वही वाला सिंपल सीन है, मैं पहले फटाफट कर लेता हूँ उसके नंबर जस्ट, फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई आप हमने कर लिया इसको एडजस्ट, इधर आ जाते हैं, और इसके वाली जो हमने कीज़ लगाई थी इसके ऊपर नंबर वाले पे, शिफ्ट F5 करके स्मूथ वाली, कंट्रोल सी करेंगे, इस पर ला के हम कर देंगे कंट्रोल वी, तो जैसे ही करेंगे हमें दिखेगा 2008 में जब ग्लोबल रीच, हमें 2007 दिख रहा है, तो हम इसकी थोड़ी कीज़ को एडजस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से लास्ट वाली, इस वाले, जब आप इस वाले बटन को प्रेस करते हैं ना, जो लास्ट कीज़ होती है उस पर आ जाते हैं, और इधर से प्रेस करेंगे, अगर इस साइड होंगे तो आपको ये वाला करना है, इस साइड करूँगे तो ये वाला करना है, ठीक है। अभी हम इस पे आ गए हैं, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ भाई 2008 आ जाए ऐसे करके, और मैं चाहता हूँ इस बार कलर इसका थोड़ा चेंज आए, तो कलर मैं इसका कर दूंगा अपना येलो वाला, ओल्ड टाइम फेव FFD30E। तो जैसे हम 30E कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक बन जाएगी। 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन, ठीक है, 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन, तो ग्लोबल रिसेशन यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा सारा कुछ, कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं रह गया होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो हमारा यहाँ तक बन चुका है, तो यहाँ पे मैंने रिसेशन की बात करी है, तो रिसेशन में हमें कोई आर्टिकल वार्टिकल देखने को मिला होगा, या तो कोई भाई कहीं ना कहीं तो न्यूज़ लिखी होगी, तो उस हम आर्टिकल को यहाँ पे उठा के ले आएंगे और उसको मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ध्रुव राठी सर के वीडियो में आर्टिकल्स आते हैं, अलग से ऊपर टॉप वाला लगाता है, नीचे वाला लगाता है, तो यहाँ पे एक ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल इफेक्ट बनाने के लिए कलर मेट ले लेंगे। कलर मेट लाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ जाना है, यहाँ पे से आपको कलर मेट लेना है वाइट कलर का, मैं ले लेता हूँ वाइट, और इसको नाम दे दूंगा वाइट, WITE कलर मैट। तो कलर मेट यहाँ पे मैंने वाइट ले लिया, कलर मेट में वाइट ले लूँगा और इसको उठा के ले आऊँगा यहाँ नीचे, यहाँ पे उठा के ले आया, इसको सिंपल क्या करूँगा मैं, यहाँ कर दूँगा इसकी ओपेसिटी कुछ 95 के आसपास, 95 की ओपेसिटी नहीं हुई इसकी, और थोड़ी सी कम कर देते हैं इसको हम कुछ, इसको या फिर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल की जगह स्क्रीन कर सकते हैं, कुछ भी जैसे मेरे को यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी इतनी कर दूँगा, मुझे ये ठीक लग रही है ओपेसिटी, रिसेशन आया, एक ओपेसिटी ठीक है, और मैं जो नंबर वाला है इस पर जाऊँगा मैं शेडो आ जाए, तो इन सबको सेलेक्ट करके मैं शेडो डाल दूँगा इस पर, थोड़ी सी बढ़ा देंगे, तो सीक्वेंस में दिख रही है इसकी शेडो, इसके अंदर जाएंगे शेडो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आपको शेडो देखनी हो तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट ग्रिड को भी ऑन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्रिड, सो अभी दिख नहीं रही है मैं शेडो, तो हम इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, अब जाके हमें थोड़ी शेडो दिखने लगी है, ठीक है भाई। अब हम इस ट्रांसपेरेंट ग्रिड को यहाँ से बंद कर देंगे, अब हम जाएंगे इसमें और देखेंगे इम्प्रूवमेंट हुई क्या आया, तो फोर्ड शेडो कर देंगे यहाँ से कलर ब्लैक। तो भाई देख रहे हो यहाँ पे पूरा हमारा आ गया हिसाब किताब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
सो भाई हम बनाएंगे आर्टिकल फैक्ट्री लेकर करेंगे। यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपको एक ही इमेज लेनी है मगर दो अलग नाम से, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। सो आपको वो इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया आर्टिकल वन के नाम से और दूसरी इमेज ली है आर्टिकल टू के नाम से, मतलब सेम ही इमेज है बस नाम उसका अलग है ताकि वो फाइल हमारा प्रीमियर अलग अलग कंसिडर करे। तब उसको कर देंगे हम नेक्स्ट। मैंने जीरो पे नेक्स्ट सेट कर रखा है, इसे कर देंगे आर्टिकल 01 और इसको कर देंगे नेक्स्ट आर्टिकल 02। यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ हम जाएंगे, हम इसको करेंगे मास्क। इसको उठा के नीचे ले आएंगे, इसके ऊपर मास्क सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसके सेलेक्ट एक मास्क बना लेंगे इसकी बॉडी का। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, उठा लेना है, दोनों सिंपल सेलेक्ट करना है, उठा लेने हैं सिंपल। देख रहे हो एक ये बन गया। अब इस दूसरे पे जाएंगे और दूसरे का कहाँ है भाई, दूसरे को उठा के नीचे ले आएंगे और इसको हम यहाँ सेट कर देंगे। सो दूसरा भी हम यहाँ पे कर देंगे, इसकी हेडिंग बना देंगे, इसकी हेडिंग करेंगे मास्किंग। इसकी हेडिंग कौन सी है भाई, इसकी हेडिंग यहाँ से है तो ये करेंगे उठा के पूरा बड़ा। इसको भी उठा के आप चाहो तो बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे दो एक तरीके से हमारा वो बन गया आर्टिकल। अब इसको हम डालेंगे ऊपर वाले को स्लाइड डाउन, ये मेरा इफेक्ट है, मैं इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे देखोगे आप, मैं जब ग्लोबल रिसेशन ये एक तरीके से आया और यहाँ से करेंगे स्लाइड अप, स्लाइड अप इन, ये वाला इफेक्ट अभी डालो। मैं जब ग्लोबल रिसेशन आया, देख रहे हो कितना अच्छा बना, दोनों अलग अलग चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे थोड़ा सा एडजस्ट, इसको भी और इसको भी। तो देखिए अब कैसे बनता है। मैं जब ग्लोबल रिसेशन आया तो फोर, देख रहे हो, और इसकी ओपेसिटी चाहो तो भाई आप कम कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ इसको, मैं चाहता हूँ 95 पे आए ये वाला नीचे वाला, और ऊपर वाला भी 95 के आसपास ही जाए। चाहो तो और कम कर लो, आई थिंक इतना ठीक है, 30 के आसपास, मैं थोड़ा कम ही चाहता हूँ 30 के आसपास, और ये भी 30 के आसपास, ठीक है। एक तरीके से पूरा इफेक्ट बन गया। ग्लोबल रिसेशन आया तो ग्लोबल रिसेशन आया भाई, ये ग्लोबल रिसेशन का आर्टिकल है, आप इसको भी डाल सकते हो, मैंने डाल दिया। मैं जब ग्लोबल रिसेशन आया सो और अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ भाई इसके ऊपर एक और ओवरले आए, मतलब कुछ और बढ़िया तरीके से आए। तो मैं ओवरले को यहाँ पे एक तरीके से, एक नई ओवरले मेरे पास है तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। एस्थेटिक ओवरलेस करके आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगी, इसमें से हम ले लेते हैं एक ये वाली ओवरले, ये वाली आई, और इसे कर लेते हैं यहाँ से ओ, इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं और इसको कर लेंगे हम शिफ्ट स्क्रीन, इसका कर दे सेलेक्ट थोड़ा हिसाब, इसे मल्टीपल भी कर सकते हो आप अभी स्क्रीन पे करके, इसको पैसिटी कर देंगे इसकी 19 के आसपास आया। तो चाहो तो इसे नीचे रख लो और इसे ऊपर ले आओ, इसे ऊपर ले आओ, इसे नीचे रख लो। फोर्ड की कंपनी पूरी तरह एक तरीके से ये देखिए, जब ग्लोबल रिसेशन आया तो फोर्ड, अब यहाँ पे हमें फोर्ड की कंपनी डालनी है, कंपनी पूरी तरीके से घाटे में चली, फोर्ड की कंपनी या घाटे में चलेगी। तो फोर्ड की कंपनी को घाटे में कैसे दिखाएंगे, हम ले आएंगे अपने भैया बिल बिल फोर्ड को, दोबारा से हम बिल फोर्ड की वाली इमेज ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे यहाँ पे भैया फोर्ड का लोगो, यहाँ फोर्ड का लोगो हमने लगा दिया, बिल फोर्ड भैया इसके ऊपर आए, बिल फोर्ड भैया को हमने करा नीचे, अब हम चाहते बिल फोर्ड भैया नीचे आए और फोर्ड थोड़ा सा छोटा कर दें हम, इसको हमने कर दिया छोटा। पहले यहाँ करें फोर्ड की कंपनी पूरी तरह, प्रॉफिट और लॉस हम दिखाएंगे यहाँ पे, प्रॉफिट इसको कर देंगे हम कैप्स में और इसको कर देंगे छोटा, यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट कैसे घाटे में और यहाँ कर देंगे घाटा यानी लॉस, LOSS लॉस। ठीक है भैया, यहाँ पे कर देंगे लॉस, लॉस को कर देंगे यहाँ पे रेड, तो यहाँ लॉस हो जाएगा हमारा भैया रेड, ये हो गया रेड, चली गई और बिल, ठीक है भाई, ये एक तरीके से कंपोजिटिंग है अपनी, आप एक तरीके से समझ सकते हो पूरी तरीके से। यहाँ से हम इसे कर देंगे बड़ा थोड़ा आगे था, कोड की कंपनी पूरी तरह से तरीके से घाटे में चली गई और घाटे में चली। अब इस बिलफोर्ड को और थोड़ा बड़ा करना चाहो तो और बड़ा कर सकते हो थोड़ा सा, यहाँ से हम थोड़ा सा जो और बड़ा कर देंगे, और बिल
और इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ग्लो दे दूँ, तो मैं इसको ग्लो देता हूँ। अब इसके लोगों को, फोर्ड के लोगों को वी आर ग्लो करके हम यहाँ से उठा के, सॉरी वी आर ग्लो हम मिलेगा यहाँ पे, इसको उठा के हम लेंगे बिल फोर्ड पे और इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे बिल फोर्ड वाले ग्लो को। इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा हम कम कर देंगे, रेडियस उसका थोड़ा सा कम, घाटे में चली गई बिल फोर्ड को अपनी दो सबसे ज्यादा, अब यहाँ पहले बिल फोर्ड को अपनी दो सबसे ज़्यादा बेहतरीन कंपनी। तो यहाँ पे हम दोबारा वही वाला इफेक्ट बनाएंगे यार जो हमने वहाँ बनाया था, एक तरीके से लीक वाला, जिसके अंदर वो एक इंक लीक आती है। तो यहाँ से हम एक बार उसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लीक इफेक्ट, यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको नाम दे देंगे 03 वाले को उठा के लेंगे यहाँ पे, और 03 में हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम यहाँ पे वो वाली इमेज हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे क्लियर इन आउट करके, इसको कर देंगे, इसको रहने देते क्योंकि इसमें से हमें एट्रीब्यूट्स कॉपी करने हैं। तो इसके लिए हम ओवर इमेज ले आएंगे जहाँ पे वो कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहा है। आप किसी भी तरीके से कोई भी इमेज ला सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि भाई इमेज मेरी स्टोरी के साथ रिलेवेंट हो रही है उठा के। सो हम दूसरी वाली इमेज ले आते हैं, जैसे मेरे को लगी थी ये फोर्ड वाली, भाई एक तरीके से पैनल पर डिस्कशन हो रहा है, तो यहाँ पर वो दे रहा है अपनी क्या कहते हैं बिकनी को, जब वो बेक रहा था तब की है, ट्रैकमेट की ओके कर देंगे, नीचे वाली को हटा देंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऊपर भी रख सकते हो इमेज को और चाहे नीचे भी रख सकते हो, बस इसमें सेलेक्ट ये वाली लेयर होनी चाहिए। एक उठा के यहाँ पे ले आते हैं नीचे, ये देख लीजिए। ठीक है भाई, ये हो रखी वीडियो टू सेलेक्ट, ये देखिए। अब इसको उठा के लीक वाले को, इसको चाहो तो और बड़ा कर सकते हो, हमें वैसे इतना बड़ा चाहिए नहीं। ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल होता है इन द सेंस यहाँ तक आपकी लेयर है, इस नेस्ट के अंदर इसके आगे की लेयर नहीं है, तो हम ले आते हैं। और बिल फोर्ड को अपनी दो सबसे ज़्यादा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, और बिल फोर्ड को अपनी दो सबसे ज़्यादा, भैया कहाँ पे है ये, यहाँ तक है देखो, यहाँ से लगाते हैं इसको। और बिल फोर्ड को अपनी दो यहाँ पर लिख करेंगे, बिल फोर्ड को अपनी दो सबसे ज़्यादा पसंदीदार गाड़ी लैंड रोवर और जैगवार की बात करिए, तो लैंड रोवर जैगवार की बात करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे इसको उठा के लोगो ले आते हैं, हम यहाँ पे लोगो ले आते हैं लैंड रोवर और जैगवार भैया की। तो जैगवार का हमने कर लिया इंपोर्ट, ये मेरे पास सारे मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखे थे, जब आप बनाओगे तो आप अपने हिसाब से निकालोगे जो भी आपकी स्टोरी के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ड्रैगन ड्रॉप, और इसको भी कर लेते हैं यहाँ ड्रैगन ड्रॉप। इसके मैंने प्रीसेट पहले से बना रखे हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट है, यानी लेफ्ट टू राइट आएगा तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा L2R, तो यहाँ मेरा जो मैंने बना रखे हैं वो मुझे दिख जाएंगे। लेफ्ट टू राइट ये वाला डलेगा लैंड रोवर पे, और राइट टू लेफ्ट ये डलेगा इस पे, ये देखिए। फोर्ड को अपनी दो सबसे ज़्यादा पसंदीदार गाड़ी लैंड, अब मैंने सिखाया था आपको कि आपको कैसे कीज़ के ऊपर लगाना है, कि आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे कहाँ पे घुस रहा है एकदम अंदर। सो मेरा यहाँ पे है, मैं इसको एम लगा दूंगा यहाँ पे, इस पे जाके सेलेक्ट करूँगा, इधर देखूँगा तो यहाँ पे इसको भी सेम यहीं पे ले आऊँगा और इसको भी यहाँ ऐसे लगा लूँगा। तो यानी इस की के पास मेरा जो ट्रांजिशन है वो पूरा हो जा रहा है। तो देखो जैगवार सर, लैंड रोवर गाड़ी यहाँ पे लैंड रोवर वाली आ जाएगी अंदर, लैंड रोवर और जैगवार यहाँ पे आ जाएगा। मार्कर टू मार्कर मैच किया CTI के साथ, CTI बोलते हैं इसको, जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये CTI होता है, करंट टाइम इंडिकेटर। तो ये सिंगलदार गाड़ी लैंड रोवर और जैगवार सर रतन टाटा को बेचनी पड़ी। तो सर रतन टाटा यहाँ पे किंग है, तो सर रतन टाटा की हम एक इमेज बना लेंगे किंग वाली, और आप इसको इजीली वहीं पे जाके बना सकते हो अपनी फिग्मा के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। उठाइए और कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ पे ले आइए, हम यहाँ पे ले आते सर रतन टाटा की इमेज यहाँ पे किंग वाली, वहाँ पे हमने येलो वाला यूज़ किया था, यहाँ पे हमने व्हाइट वाला यूज़ कर लिया एज अ विनर। रतन टाटा को बेचनी पड़ी, यहाँ पे मैं इनको विनर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे विनर लिख देता हूँ WINNE विनर, और इसको कर देंगे हम अपना ग्रीन कलर की क्या बनाई थी मैंने आपको, हेक्स कोड FF00, ये ग्रीन कलर का हेक्स कोड है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको चाहिए कि भाई सिंपल मेरा ग्रीन हमेशा एक जैसा रहे, तो इसको उठा के हम कर देंगे, सॉरी इसको उठा के हम नीचे ले आएंगे और इसको थोड़ा सा कर देंगे बड़ा यहाँ पे। आपको बेचनी पड़ी, ये भारतीय कार निर्माता, अब मैंने यहाँ भारतीय कार निर्माता की बात करी, तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इस विनर वाले को हम यहीं पे कर देंगे। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई इंडियन फ्लैग है, थोड़ा इंडियन वाली बातचीत दिखे अपनी, इसको सिंपल हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, इसको काट देंगे यहाँ तक लेयर, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे
यहाँ से स्केल बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे एक फॉर्म डालेंगे हम वेव, यहाँ पे हम डालेंगे इफेक्ट वेव WAVE वेव डालोगे आप, यहाँ से आपको दिख जाएगा वेव रैप RAP। आपको देखेगा वेव रैप, इसको उठा के आप यहाँ डालोगे, जैसे आप यहाँ डालोगे तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा लंबा लंबा इसका एक इफेक्ट आता हुआ दिखेगा। तो आपको अपने इफेक्ट कंट्रोल में जाना है और यहाँ जाके आपने क्या करना है, यहाँ से इसके विड्थ और हाइट को हमने चेंज करना है। तो विड्थ इसके में हाइट इतनी ठीक है और विड्थ को हमें और बढ़ा देना है, एक तरीके से हमें फ्लैग हिलता हुआ दिखाना है। तो ये देखो ये माता की जीती नहीं थी बल्कि ये थोड़ा सा तेज आ रहा है, इसको हम स्लो कर सकते हैं और इसकी स्पीड पे हम आ जाएंगे, स्पीड हम कर देंगे इसकी माइनस स्पीड है ना यार, इसकी स्पीड यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी भी व्यक्तिगत यहाँ से हम इसकी जीत थी, यहाँ से इसकी हम स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये क्या है, जीती नहीं थी, हम इसे कर देंगे 0.5 रतन टाटा की भी व्यक्तिगत जीत थी। यहाँ पे हमने क्या, ये भारतीय कार निर्माता, यहाँ पे हमने जैगवार सर रतन टाटा को बेचनी पड़ी, यहाँ पे जैगवार और उसकी बात हुई तो यहाँ पे हम इसको खींच के यहाँ तक ले आएंगे, जैगवार और रेंज रोवर भी लेनी चाहिए, फिर भारतीय कार निर्माताओं की। सो भारतीय कार निर्माता के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार निर्माताओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोगो बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको फिग्मा में सिखाया था। एक बारी मैं आपको लोगो बनाना भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बारी आप जाके वायरल रील वाली देखना, उसमें आपको काफ़ी सारे चीज यहाँ पे एक तरीके से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि वो यहाँ पे कैसे करनी है। तो यहाँ हम जिसमें जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक तरीके से मारुति का लोगो हमें सर्च करना है। तो हम इमेज पर जाएंगे, हम इमेज पर जाके मारुति का लोगो सर्च कर लेते हैं, मारुति का लोगो हमें मिल गया, जैसे ये मिल गया। तो हमने कंट्रोल सी कॉपी करना है और हमें वापस जाना है यहाँ पे अपने फिग्मा में, यहाँ पे हमें लेनी है एक यहाँ पे एलिप्स और शिफ्ट दबा के हमें एलिप्स बनाना है। जैसे एलिप्स बनाएंगे इस तरीके का एलिप्स बन जाएगा, इसको हम उठा के कर देंगे वाइट यहाँ से कलर, और इसका एक और कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करके इसमें कंट्रोल वी करेंगे, तो कंट्रोल वी करते ही ये उसी शेप के अंदर आ जाएगा और इसको उठा के हम यहाँ पे इसके ऊपर डाल देंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तरीके से ये गोल हो गया पूरा, एक तरीके से ये लोगो बन गया। और मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर डालना तो इसके ऊपर डाल सकते हो। तो भाई इस तरीके से आप लोगोज बना सकते हो, इसको लोगोज को बना के आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके आप सिंपल जहाँ पे आपकी वो होगी लोकेशन वहाँ जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उठा के सारे लोगोज ले आता हूँ जितने भी मेरे पास पड़े हैं। सो भाई मैं यहाँ पे उठा के सारे लोगोज ले आया हूँ, देख रहे होगा आपको, इसको उठा के हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो पहले एक की साइज़ हम यहाँ सेट कर लेते हैं, मैं इस हुंडे को सेट कर लेता हूँ, मैं इसको उठा के जस्ट यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे कर लेता हूँ सारी एक तरीके से। यहाँ पे इसके ऊपर एक एक करके ले आते हैं हम और इसको एडजस्ट कर लेते हैं इनकी साइज़ के हिसाब से। और यहाँ पे हमने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सबको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, जैसे पेस्ट करेंगे एट्रीब्यूट सारे उसी साइज़ के हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ अब मैं इन सबको एक तरीके एक एक करके एडजस्ट करूँगा, सॉरी इस वाली से ये इधर चला गया, मारुति को मैं चाहता हूँ थोड़ा और साइड हो जाए, फिर मैं सुजुकी के चाहता हूँ और इधर हो जाए, टाटा को बीच में रहने देते हैं, टाटा सर की कंपनी है और इसको चाहता हूँ यहाँ आ जाए। तो देख रहे हो इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, वापस वही शेडो अप और अप शेडो वाला डाल सकते हो, इस तरह अप प्लस शेडो। अब देखो एक एक करके आएगा, एक कार निर्माता की जीती नहीं थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ऑफसेट कर सकते हो अपने हिसाब से, भाई मैं चाहता हूँ कि एक करके आए सारे एक साथ ना आए, निर्माता की जीती नहीं थी। तो इस तरीके से आपने पूरा स्टोरी को कंपोजिट किया। तो भाई देखो 1998 में अब एक बार ने अपनी अब यहाँ पे आपने एक रफ एक तरीके से तैयार कर लिया पूरा स्टोरी का। एक बार इसको रेंडर मार लेते हैं और पूरी चेक करते हैं कि भाई कैसी बनी है। सुबह यहाँ पे रेंडर हो रही है, उसके बाद आपको एक सिंपल सा एक पूरा मैं वो दिखाऊंगा कि इसका रफ बना कैसे है, और उसके बाद हम इसमें और चीज़ें जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाऊंगा जो मैंने एलिमेंट उसमें यूज़ किए थे इसमें भी यूज़ करेंगे। 1998 में रतन टाटा सर ने हमने रेंडर कर लिया, स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, मगर टाटा इंडिका ने वो सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था। टाटा इंडिका की वजह इतना नुकसान हुआ कि कंपनी घाटे में जाने लगी, इसी के चलते सर रतन टाटा ने टाटा इंडिका को बेचने का सोचा। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे बहुत देर तक हो रहा है, आपकी स्टोरी में ना फटाफट चेंज होना चाहिए फॉर योर पेसिंग, फॉर योर ऑडियंस पेसिंग। ऑडियंस पेसिंग में क्या होता है, ऑडियंस की जो रिटेंशन है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे रखने के बाद, इसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये यहाँ पे इस तरफ ख़त्म हो जाए, इस तरफ ये ख़त्म हो जाए और यहाँ पे एक सर का एक वीडियो आ जाए जहाँ पे वो सर कुछ अनाउंस कर रहे हो। तो आई थिंक इस वाली वीडियो में ही आपको मिल जाएगा वो जो हमने यहाँ पे गाड़ी बनती वाली बनाई है। तो इसके लिए हम जाते हैं इधर टाटा ग्रुप, यहाँ पे दिखेगा आपको
आई थिंक वीडियो में मिल जाना चाहिए हमें, ये रहा। सो इसके अंदर हम जैसे जाएंगे यहाँ पे सर टाटा सा कहीं पे बोल रहे होंगे कुछ अनाउंस, यहाँ ये रहा ना, इसको उठाएंगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आएंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे इंपोर्ट। और इसके भी सेम हम मास्क लगा देंगे जो भी हम चाहते हैं मास्क वगैरह लगाना। यहाँ पे हमने हम सोच रहे हैं यहाँ पे हम मास्क लगा दें, तो इधर से मास्क पकड़ के इसको मैं चाहता हूँ इतना बड़ा करना है। सो भाई यहाँ पे मैंने लगा दिया, कंपनी घाटे में जाने एक तरीके से। इसको मास्क को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ भी आप चाहो वहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हो। और रिफाइन करने के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ इसी के चल, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जितना भी मेरा फोकस है ना वो एक एक बीच में बना रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक एडजस्टमेंट लेयर ले लूँगा यहाँ से, एक जो भी आपने एडजस्टमेंट लेयर लिया है पहले आप उसे उठा लीजिए। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे इधर करिए, आप एडजस्टमेंट ले लीजिए यहाँ से, एडजस्टमेंट लेयर को आप उठाइए, इसको टॉप पे ले जाइए और इसको कर दीजिए यहाँ से सिनेमा क्रॉप। मैं बेसिकली अपनी वीडियो पे सिनेमा क्रॉप लगाता हूँ, तो मैं यहाँ से सिनेमा क्रॉप उठा लूँगा। सिनेमा क्रॉप बेसिकली ऊपर से नीचे से थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर देता है। सिनेमा क्रॉप को उठा के मैं अपनी इस लेयर पे इंपोर्ट कर दूँगा, तो ये ऊपर नीचे से कट जाएगी थोड़ी थोड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर नीचे से थोड़ा सा कट जाएगा ऐसे ऐसे। और इसके ऊपर लगाता हूँ मैं फोकस, तो F3 में जाएंगे आप, इसको फोकस रखने के लिए क्या करेंगे, इसमें विगनेट में जाएंगे, विगनेट में जाएंगे और इसको थोड़ा फोकस बनाने के लिए मैं कर दूंगा फैदर इसका कम, और मिड पॉइंट इसका बढ़ा दूंगा, मिड पॉइंट अमाउंट थोड़ा कम कर दूंगा। अब आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है एरिया थोड़ा सा एक इधर से विगनेट इफेक्ट आ गया, किसी वीडियो में आपको दिखेगा यहाँ पे, आप देखते हैं इसको पूरा। 1998 में रतन टाटा सर ने अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, मगर टाटा इंडिका ने वो सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था। टाटा इंडिका की वजह से इतना नुकसान हुआ कि कंपनी घाटे में जाने लगी। इसी के चलते सर रतन टाटा ने टाटा इंडिका को बेचने का सोचा और इसे बेचने के लिए उन्होंने अमेरिकी कंपनी फोर्ड को चुना, मगर फोर्ड के सीईओ बिल फोर्ड ने इंडिका को लेने से मना कर दिया। कुछ सालों बाद ही 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया तो फोर्ड की कंपनी पूरी तरह से घाटे में। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ भाई फ्लैश वाला सीन दोबारा आ जाए, यहाँ पे इधर आ जाए ताकि यहाँ पे एक ट्रांजिशन हुआ है, यहाँ से हम उठाएंगे यहाँ लगा देंगे। तो फोर्ड की कंपनी पूरी तरीके से घाटे में चली गई और बिल फोर्ड को अपनी दो सबसे ज्यादा पसंदीदार गाड़ी लैंड रोवर और जैगुआर सर रतन टाटा को बेचनी पड़ी। ये भारतीय कार निर्माता की जीत ही नहीं थी बल्कि सर रतन टाटा की भी व्यक्तिगत जीत। आप चाहो तो भाई यहाँ पे दूसरी ट्रांजिशन लगा सकते हो, जैसे ये यहाँ से यहाँ बदला, तो मैं चाहता हूँ भाई मैं उठा के ये वाली भी ले आता और दूसरी भी ले आता, मैं 4K वाली जो हमेशा लगाता हूँ मैं वो भी लगा सकता हूँ और मैं ये भी लगा सकता हूँ, तो मैं अभी ये वाली उठा के लगा लेता हूँ। नहीं पड़ी यहाँ पे आएगी, यहाँ से हमारी ये वाली खड़ी शुरू हुई है, तो ये रतन टाटा को बेचनी पड़ी। ये भारतीय कार निर्माता की जीत, यहाँ पे भी आप इधर भी लगा सकते हो एक और वाली जस्ट फॉर अ चेंज। कार निर्माता की जीत ही नहीं थी बल्कि सर रतन टाटा की भी व्यक्तिगत जीत थी। तो यहाँ तक एक तरीके से हमने पूरा रफ यहाँ पे डिजाइन कर लिया, हमारा पूरा रफ बन चुका है। इसके ऊपर थोड़े एलिमेंट्स हम लगा सकते हैं जो भी हम चाह लगाना चाहे। सुबह यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो हमारी ब्लर वाली थोड़ी सी एडजस्टमेंट लेयर है इसको हम कहीं कहीं यूज कर ले, जैसे हम कभी यहाँ यूज कर ले, थोड़ा इधर फोकस में, थोड़ा इंडिका के नीचे यूज कर ले, है ना, तो हम जहाँ भी चाहे हम यूज कर सकते हैं, हम कम्प्लीटली उसके लिए फ्री है भाई, जहाँ हम चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं। इसको इसको उठा के हम थोड़ा सा यहाँ ले आए जहाँ पे हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं इसके इस तरीके से। और बाकी भाई अगर आपके पास एक्सटेंशन में जाके प्रीमियर कंपोजर आप लोगे, इसको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। वैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे इस ट्रांजिशन में जाओगे तो जूम आउट करके मेरी फेवरेट है, इसको उठा के यहाँ से आप करोगे इंपोर्ट, तो ये इंपोर्ट हो जाएगी, इसको हटाओ यहाँ से। और इसको इंपोर्ट करा के मैं कहाँ ले जाना चाहूँगा, इसको मैं ले जाना चाहूँगा जहाँ पे सर रतन टाटा और इन्होंने डील की बात करी थी, यहाँ पे इसको सिंपल उठाएंगे और यहाँ उठा के हम यहाँ ले आएंगे। ये देखो फोर्ड ने इंडिका को लेने से मना कर दिया कुछ, है ना, नॉट इंटरेस्टेड वाले को भी मैं थोड़ा सा ऐसा चाहूँगा और इसको थोड़ा सा बड़ा चाहूँगा, इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ इतना जहाँ आपको सही लगे इतना। कुछ सालों बाद ही 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया तो फोर्ड की कंपनी पूरी तरह से घाटे में चली गई और बिल फोर्ड को अपनी दो सबसे ज्यादा पसंदीदार गाड़ी लैंड रोवर और जैगुआर सर रतन टाटा को बेचनी पड़ी। ये भारतीय कार निर्माता की जीत ही नहीं थी बल्कि सर रतन टाटा की भी व्यक्तिगत जीत थी। और भाई यहाँ पे जो हमने शुरू में इमेज ली है यहाँ पे टाटा सर की, इसके ऊपर हम थोड़ा वीगल इफेक्ट लगा सकते हैं। हम वीगल इफेक्ट लगाने के लिए ये करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे प्रीसेट में, ये सारे प्रीसेट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसको आप जाएंगे प्रीसेट पे उठाएंगे और यहाँ पे जाएंगे ये वाला प्रीसेट, यहाँ पे आपको दिखेगा स्मूथ, हम कैमरा में एक स्मूथ डाल देंगे इसके ऊपर,
सर ने अपनी पहली स्वदेशी कार, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहो तो एडजस्ट कर लो, छोटा करना चाहो छोटा कर लो, स्केल हम छोटा सा एडजस्ट कर ले सके। अगर आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म डाल दोगे तो और बढ़िया रहेगा, जैसे ये ट्रांसफॉर्म डाला हुआ है तो इसमें हम स्केल थोड़ा छोटा कर लेते इसका ना, हमने स्केल थोड़ा छोटा कर लिया, इसमें आगे जाके हम थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं, जैसा आपको लगे वैसा ठीक है। रतन टाटा सर ने अपनी पहली स्वदेशी कार, और सेम आप इसको उठा के इधर भी डाल सकते हो अलग अलग इमेजेस पे। 1998 में रतन टाटा सर ने अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, मगर टाटा इंडिका ने वो सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था। टाटा इंडिका की वजह इतना नुकसान हुआ कि कंपनी घाटे में जाने लगी। इसी के चलते सर रतन टाटा ने टाटा इंडिका को बेचने का सोचा, और इसे बेचने के लिए उन्होंने अमेरिकी कंपनी फोर्ड को चुना, मगर फोर्ड के सीईओ बिल फोर्ड ने इंडिका को लेने से मना कर दिया। कुछ सालों बाद ही 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया तो फोर्ड की कंपनी पूरी तरह से घाटे में चली गई, और बिल फोर्ड को अपनी दो सबसे ज्यादा पसंदीदार गाड़ी लैंड रोवर और जैगुआर सर रतन टाटा को बेचनी पड़ी। ये भारतीय कार निर्माता की जीत ही नहीं थी बल्कि सर रतन टाटा की भी व्यक्तिगत जीत थी। सो आई होप यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एक इस तरीके से आप मैंने बेसिकली आपको एक रफ व्यू दे दिया कि आप कैसे अपनी स्टोरी को कंपोजिट कर सकते हो। और अगर आज के बाद कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप ध्रुव राठी सर या आदित्य सैनी जैसी वीडियो एडिट कर सकते हो, नीतीश राजपूत जैसी वीडियो एडिट कर सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ। आप नहीं घबराओगे कि आफ्टर इफेक्ट में मैं कैसे करूँगा, आप प्रीमियर प्रो में उसको डिज़ाइन कर सकते हो। भाई रात हो गई है, सुबह के बज गए रात के 3 बज गए हैं, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, कमेंट अपने आप में से पूछ सकते हो। हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, हमारा फॉर्म भी है, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको हमारे कॉन्टेंट कैसे लगता है। काफ़ी सारे हमने उसमें क्वेश्चन पूछे और काफ़ी सारे आपके सजेशन मांगे हैं, अगर वो आप हमें देते तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम आपको और समझ पाएंगे और आपके लिए और अच्छी चीज़ें ला पाएंगे। उसमें हमारा व्हाट्सअप की भी कम्युनिटी का लिंक है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एज यूजुअल भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आज की वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि बहुत सारे मुझ पर क्वारीज आ रही थी, सर हम वैसे कैसे करें ये वाली इस तरह की स्टोरी कंपोजिटिंग हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं कि हमें आफ्टर इफेक्ट का यूज़ ना करना पड़े, हमारा पीसी थोड़ा लो बजट है और लो स्पेसिफिकेशन है तो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें कुछ एक ऐसा वे बताओ जिसमें हम एक तरीके से स्टोरी कंपोजिटिंग कर ले और हमारी स्पेसिफिकेशन भी कम यूज़ हो। तो भाई ये है जिसमें आप कर सकते हो और आप इससे और भी बढ़िया कर सकते हो, वो आगे हम एडवांस देखेंगे जब हम आफ्टर इफेक्ट भी यूज़ करेंगे, जिसमें 3D वगैरह यूज़ करके हम थोड़ा सा कैमरा को लगाना इस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ करेंगे और उसमें थोड़ा एडवांस लेवल के हम स्टोरी कंपोजिटिंग करेंगे। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेल माय नेम इज जितिन राव, यू वाज वॉचिंग मैग्नीफाई फ्री।